ऑल राइट एवरी वन पीपल इन द क्लास गुड इवनिंग वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ सी एफ एम सी ए फाइनल एफ एम फास्टर बैच जिसमें हम मे ट्वेंटी फोर नवंबर ट्वेंटी फोर के लिए हमारी फुल फ्लजेट तैयारियां करेंगे यस गुड इवनिंग पीपल गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरी वन हाउ यू गुड इवनिंग सुमित अमृता गुड इवनिंग चंदन गुड इवनिंग एवरी वन एल्स पीपल इन द क्लास गुड इवनिंग कौन कौन है भाई बताइए कौन कौन आ चुका है अर्चना गुड इवनिंग हॉल एव कम सोनिया गुड इवनिंग सोनिया फर्स्ट कल वल तो नहीं थे शायद आप आपका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है वायु यू देयर यस्टरडे सोनिया इन अ लाइफ वैच अनिश गुड इवनिंग भावेश गुड इवनिंग अश्विनी गुड इवनिंग प्रेरणा गुड इवनिंग हु एल्स इज हियर पीपल इन द क्लास गुड इवनिंग कौन कौन है भाई आयु कल आप मुझे जितना याद आ रहा है आप नहीं थे और कौन कौन लोग आ चुके हैं लाइफ एवरी वन सो आई थिंक रोज की तरह कुछ एक दो मिनट के लिए वेट करना पड़ेगा सब लोगों का <laughs> अश्विनी अश्विनी क्लास पे सबको कह रहे हैं वीडियो को लाइक कर दो और मैंने अश्विनी को नहीं बोला ऐसा कुछ दिस इज नॉट अ पेड प्रमोशन अश्विनी इज अ वेरी काइंड हार्टेड पर्सन एंड इज अ वेरी गुड पर्सन गुड गाय इसीलिए वो शायद मेरा ध्यान रखते हुए ऐसा सब कुछ कह रहे ऑल राइट बट दैट डज नॉट मीन पेड फॉर दस चांदी गुड इवनिंग नेशनल गुड इवनिंग आयुषी गुड इवनिंग शायद आप कल नहीं थे आई मे बी रॉन्ग कन्फर्म करना पड़ेगा ध्रुति गुड इवनिंग सोनिया रिकॉर्डेड देख रहे हो ऑल राइट मुस्कान गुड इवनिंग क्या बात है इतने सारे लोग लाइव आ जाते हैं तो मजा आ जाता है रक्षता गुड इवनिंग तो बोलो भाई ए एफ एम को लेकर क्या लग रहा है आर यू सेटल्ड विद द सब्जेक्ट एवरी वन तो आई थिंक सफिशियंट लोग आ चुके हैं है ना अब मैं आपको एक अपडेट देना चाहता हूं सुन लो ये याद है क्या? ऐसा कुछ इंस्टीट्यूट ने हमारे लिए रिलीज किया था ऐसा कुछ मटेरियल। और ये मटेरियल मैं पहले ही अपने टेलीग्राम चैनल पे भी रिलीज कर चुका हूं शेयर कर चुका हूं जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया कि यार एज कम्पेयर टू 2023 करिकुलम 23 के स्टडी मटेरियल के कंपैरिजन में 24 के स्टडी मटेरियल में फॉर द परपज ऑफ एफ क्या क्या टॉपिक्स का एडिशन डिलीशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा हुआ है आप में से कितने लोग ये वाला मटीरियल पहले ही मेरे टेलीग्राम चैनल पर देख चुके हो बता दीजिए जितेंद्र गुड इवनिंग अंकिता गुड इवनिंग अंकिता कल नहीं थे शायद आप भी दिस इज वॉट आई थिंक आई एम नॉट श्योर कल नहीं थे ना आप भी था। आप में से कौन कौन लोग पहले ये मटेरियल देख चुके एक बार प्लीज बता दो तो मैं सोच रहा हूं एक बार फिर से इस मटेरियल को टेलीग्राम पे शेयर कर दू क्या पीपल शायद वापस से लोगों को रिवाइज्ड मैनर में इसको रेफर करने में अच्छा रहेगा राइट चलो वो मैं रेफर कर दूंगा वो मैं रेफर कर दूंगा जिन लोगों ने मटेरियल नहीं देखा है ना मैं फिर से टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा है ना सुन लो सुन लो क्या क्या चीजें एडिशन में आया ऐसे रैंडमली मेरे माइंड में आया कि मटेरियल आपके साथ शेयर कर देता हूं ठीक है तो फिर मन हो गया तो अभी शेयर कर रहा हूं सुनिए 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 थर्ड चैप्टर जो एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग डिसीजन है पूरा चैप्टर के चैप्टर ऐड हो गया करेक्ट जिसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हैं जिसमें बहुत लिमिटेड थ्योरी टॉपिक्स है बट प्रेमरीली 90 परसेंट चांस है इससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने के और ना कि एक थ्योरी टॉपिक मतलब इसको एक प्रैक्टिकल चैप्टर की तरह देखना चाहिए ये एक चीज ऐड हुई है ऑल इसके अलावा इसके अलावा ये जो येलो मार्क्स है ना येलो मार्क्स ये सारे एडिशन है लेकिन ये येलो मार्क्ड वो एडिशन है जो थ्योरी पर्सपेक्टिव से एडिशन है जैसे कि सिक्योरिटीज़ वैल्यूएशन करके जो अपना चैप्टर है उसमें रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वैल्यूअर या फिर प्रिकॉशंस विच आर नीडेड टू बी टेकन बाय दी वैल्यूअर ऐसे करके दो थियोरिटिकल टॉपिक ऐड हुए हैं सिमिलरली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में गोल्ड गोल्ड मतलब सोना जिसको अपन कहते हैं ना द येलो मेटल येलो मेटल के ऊपर कुछ चार पांच पॉइंटर्स ऐड हुए हैं राइट right? तो इस तरीके से ये पीडीएफ मैंने बनाया था जिसमें से मैं आपको बताऊं डेरिवेटिव्स में रियल ऑप्शन करके एक कॉन्सेप्ट एड हुआ है विच इज अगेन समवेयर रिलेटेड टू कैपिटल बजटिंग तो प्रैक्टिकल से हमें इसके भी क्वेश्चंस करने होंगे कम से कम एक एक, एक, एक या दो दो क्वेश्चन और इसके अलावा प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर्सपेक्टिव के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के पर्सपेक्टिव से शायद शायद नॉट श्योर बट वैल्यूएशन ऑफ डिस्ट्रेस्ड कंपनी या फिर वैल्यूएशन ऑफ स्टार्टअप भी करना पड़ सकता है बट नॉट श्योर इस पे अपन श्योर नहीं है एक बार और मैं स्टडी मटेरियल गो थ्रू करके समझ लूंगा कि इसमें कितना रेलेवेंस है वैल्यूएशन ऑफ डिस्ट्रेस्ड कंपनी और स्टार्टअप्स का तो सर इस तरीके से क्या होगा इस तरीके से क्या होगा आपको जो मटीरियल मिलेगा ना आपको जो वॉल्यूम टू मिलने वाला है वो वॉल्यूम टू में थ्योरी भी आपको मिलेगी वॉल्यूम टू में थ्योरी मिलेगी और सेकेंड वॉल्यूम में पीपल इन द क्लास जो भी आपको थ्योरी मटेरियल मिलने वाला है दैट विल बी फुली अपडेटेड फुल्ली अपडेटेड एज पर द स्टडी मटेरियल टू

हम आई थिंक आना चाहिए वापस हमारे डिस्कशन पे जिसमें हम लोग ट्वेल्थ क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि सर किस तरीके से किस तरीके से हम जीरो ग्रोथ मॉडल और कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल अप्लाई करते हैं तीस सेकेंड का नहीं तीस सेकेंड तो ज्यादा ही कम हो जाएगा नॉट थर्टी सेकेंड्स हम लोग अराउंड टू मिनट्स टू मिनट्स का रिविजन करेंगे ऑफ वॉट वी हैव डिस्कस्ड यस्टरडे राइट और फिर आज जाएंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे अपने रखी, अपने कैल्सी तैयार रखिए अपने अपने फिंगर्स तैयार रखिए राइट क्योंकि कैल्सी के आज आपको ताकत दिखानी है बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे सर एक बार क्विक रिविजन ले लो कल की क्लास में हमने डिस्कस किया कि यार वैल्यूएशन करने के लिए हमारे पास दो में से एक पॉसिबिलिटी बनेगी एवरीवन समराइजेशन है आप सभी को यहाँ पे अपना बेस्ट देते हुए रहना है दो पॉसिबिलिटीज दो में से एक पॉसिबिलिटी हमारे सामने बनने वाली है फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन अंदर डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल या तो हम कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ इयर्स के लिए शेयर को होल्ड करेंगे या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इयर्स तक करेंगे अगर पर्टिकुलर नंबर के लिए करेंगे तो जितने भी इयर्स तक कर रहे तब तक के डिविडेंड्स और उसका सेल्स प्राइस सबको डिस्काउंट कर देना एट द रेट ऑफ के जो वैल्यू आएगा दैट इज योर इंट्रिंसिक वैल्यू However, अगर इन्फिनिटी तक बात जा रही है तो वी कैन नॉट डू दिस मैन्यूली वी विल है मैथ्स मैथमेटिकल फॉर्मुला जिसके लिए डिविडेंट डिस्काउंट मॉडल बने हम जब वो अप्लाई करने जाएंगे तो आपको पता चलेगा फॉर द पर्पज ऑफ डिस्काउंटिंग यूनिट के जिसके लिए तीन प्रेफरेंसिस है सबसे पहला प्रेफरेंस पीपल इन द्लास अपना क्या होता है सी ए पी एम विच इज आर एफ प्लस बीटा इन टू आर एफ माइनस आर एफ डन दूसरा सर गॉर्डन फॉर्मूला जिसमें 99% केसेस में ये वाला फॉर्मूला यूज करने को मिलेगा कुछ रेयरली 1% केस होंगे पूरे एफएम में जहां पे हम सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे फंडा बहुत सिंपल डी वन डिवाइडेड बाय पी जीरो प्लस जी इन प्लेस ऑफ डी जीरो पी जीरो हम लोगों को नेट प्रोसीड यूज करना पड़ेगा अगर हमने नए शेयर्स इश्यू किए हैं तो ऑल राइट right, cool. और थर्ड थर्ड पीपल इन द क्लास थर्ड तरीका थर्ड प्रेफरेंस इज ईपीएस डिवाइड बाई एमपीएस भी मैं बोल सकता हूँ राइट right? ये सब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न विच इज यूज एज डिस्काउंटिंग रेट के फॉर्मूला है हाव एवर एग्जामिनर हमें एक्सपेक्टेड और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को इंटरचेंज भी यूज करने के लिए बोलेगा सर हमने देखा जब इन्फिनिटी तक के हमारे डिविडेंट्स हो तो डिविडेंट का पैटर्न ऑब्जर्व करने की जरूरत है और अकॉर्डिंगली वी विल फिगर आउट कि कौन सा मॉडल लगाना चाहिए अगर सेम अमाउंट ऑफ डिविडेंट इज रिसीव्ड फॉर एवर तो उन सारे डिविडेंट्स का प्रेजेंट वैल्यू होता है इंट्रेंसिक वैल्यू जीरो और पी जीरो जिसको d1 वन डिवाइडेड बाई केई के फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं जो फर्स्ट से लेके इन्फिनिटी तक के सारे डिविडेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू करके देता है हव अगर हमारे डिविडेंड कॉन्स्टेंटली ग्रो करे टिल इन्फिनिटी तक लेकिन कहाँ से D1 से लेके इन्फिनिटी तक का खार हमारे अगर हमारे डिविडेंड कॉन्स्टेंटली ग्रो करे तो उसके लिए हम लोग गॉर्डन्स फॉर्मुला लगाते हैं विच इज D1 वन डिवाइडेड बाई के माइनस जी जहां पे D1 का मतलब डिविडेंड ऑफ फर्स्ट ईयर केई का मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको पता है और जी का मतलब होता है सस्टेनेबल ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड फ्रॉम डी वन टिल डिन इन्फिनिटी डी वन के एबसेंस में हम लोग डी जीरो इन यूज़ कर सकते हैं कुछ बेसिक फंडाज हमने सीखे थे कि के K हमेशा जी से बड़ा होना चाहिए ऑब्वियस पॉइंट सेकेंड अगर 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 कंफ्यूजन हो तो हमें डी वन मानना पड़ेगा ना कि डी जीरो और जो फॉर्मूले में यूज होता है वो भी डी वन होता है ना कि डी जीरो और जो वैल्यू अराइव होती है दैट इज एट एट पॉइंट नॉट एंड ऑफ फर्स्ट ईयर सर ग्रोथ हमें D1 से लेकर डी इन्फिनिटी तक मैटर करती है ना कि ना कि जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक की और लास्ट ईपीएस का ग्रोथ ही डिविडेंड का ग्रोथ माना जाएगा अगर पे आउट रेशियो कॉन्स्टेंट है तो और अगर कुछ ना बोले तो हम पे आउट रेशियो कॉन्स्टेंट मानते हैं हाउएवर लेकिन अगर पे आउट रेशो चेंज हो जाता है तो फिर का ग्रोथ और डिविडेंट का ग्रोथ अलग अलग हो जाता है आर वी ऑल पीपल इन द्लास हंड्रेड परसेंट सेटल्ड ऑन वॉट एवर वी है चेतन जी गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग इन फैक्ट बोलो भाई साहब बताइए पढ़ाई करने का मूड बन रहा है या नहीं बन रहा है क्या माहौल है क्लास में डन सानी अमृता सुमित अर्चना अतरा एवरी इन द क्लास क्या माहौल है पढ़ाई का फिर पीपल इन द क्लास यू ऑल से अश्विनी चेतन प्रेरणा चले क्या फिर आगे आ जाओ भाई साहब आ जाओ आ जाओ आ जाओ तो अब आपको खोलने की जरूरत है आपके आउट स्कैनर राइट आउट स्कैनर जहां पे हम लोग हम लोग क्वेश्चन के ऊपर अब डिस्कशन स्टार्ट करेंगे लेट मी टेल यू अपना फास्ट ट्रैक बैच कंप्लीट होगा फेब एंड के पहले पहले राइट तो फेब एंड तक जब तक अपना फास्ट ट्रैक बैच कंप्लीट होगा पीपल इन एन क्लास इस बैच के बाद अपने को क्या करना रहेगा इस बैच के बाद

पीपल इन द क्लास यूज करने वाले हो ग्रेट क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन अल्ट्रा सुपर डुपर ईजी है ना मतलब इतना ईजी कि इसको क्लास में करने का कोई पॉइंट ही नहीं है चलो फिर भी फिर भी वन लाइनर एक मिनट में करके कंप्लीट करेंगे आ जाइए अमन लिमिटेड हैज बीन मेंटेनिंग अ ग्रोथ रेट ऑफ ट्वेल्व परसेंट इन डिवीरेंट ऑल राइट डिवरेंट का ग्रोथ दिया है सेकंड कंपनी हैज पेड अ डिवरेंट ऑफ रुपीज थ्री पर शेयर कंपनी हैज पेड डिविडेंड ऑफ रुपीज थ्री पर शेयर मतलब थ्री रुपीज कंपनी है स्पेड बोला मतलब तीन रुपया क्या मिल गया हमें डी जीरो मिल गया ऑल राइट द रेट ऑफ रिटर्न द रेट ऑफ रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो फिफ्टीन परसेंट मतलब आर एम फिफ्टीन परसेंट दिया है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न हैज बी ऑब्जर्व एज टेन परसेंट मतलब आर एफ टेन परसेंट दिया है बीटा ऑफ द कंपनी इज वन पॉइंट टू यू आर टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न लॉजिकली उनको वर्ड यूज करना था रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न लेकिन वर्ड यूज की एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मुझे कुछ नहीं चाहिए सिर्फ आंसर चाहिए डायरेक्टली इस क्वेश्चन में ना कोई समझाने वाली चीज है ना कोई बताने वाली चीज है मुझे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न एज पर सीएपीएम वन लाइनर बोल दो एवरी वन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न एज पर सीएपीएम पीपल इन द क्लास अल्ट्रा क्विक रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न सर सर आर एफ र एफ प्लस तो चलो एक काम करते हैं इट बींग द फर्स्ट क्वेश्चन एक बार ये नोटबुक में ले लेते हैं नोटबुक नाम की एक चीज़ नॉर्मली आप खरीदते हो जो आपने इस बैच के लिए खरीदी है कि नहीं पता आप में से बहुत सारे लोग ऐसा सोचते होंगे सर मैं तो कोई और पुरानी नोटबुक ले लूंगा उसको पीछे से स्टार्ट कर दूंगा कोई डायरी रखी हुई है प्लीज़ वो सब काम ना करे है ना अपने को एक फ्रेश नोटबुक फ्रेश कॉपी लेना है राइट उसमें जो भी आप भगवान को मानते हैं उनका नाम लिखना है इफ़ यू राइट आउट और उसके बाद अपनी पढ़ाई स्टार्ट करना है ऑल राइट चलिए तो इट बीइंग द फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग नोटबुक पे कर रहे हैं प्लीज लिखने की लिखने की मैं डिक्टेट करने वाला हूं और आप उसको लिखने वाले हो सर पहले क्वेश्चन का फ्लो आपस में क्रिएट कर लेते हैं ताकि आप भी अलाइंड रहो सुनो, सुनो 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 सर सबसे पहले तो हमें सीएपीएम लगाना पड़ेगा विच इज आरएफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ सबसे पहले तो सीएपीएम लगाना पड़ेगा सीएपीएम के बाद जो आंसर नया वर्ड मिला इक्विलिब्रियम प्राइस कैलकुलेट करेंगे यूजिंग डिविडेंड ग्रोथ मॉडल अब डिविडेंड ग्रोथ मॉडल में कौन सा ग्रोथ मॉडल लगाओगे वो सब बाद में सोचते हैं एक बार चलिए वेरी क्विकली केई का कैलकुलेशन करते हैं आइए लिखिए एज पर क्विक 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 लिखना स्टार्ट किया डिक्टेटिंग एस पर पर सी ए पी एम है ना आपका ऑब्जेक्टिव सोल्यूशन को अगर देख रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन के परस्पेक्टिव से देखना होना चाहिए बाकी आपका मेन नजर होना चाहिए आपके क्वेश्चन पे अगर आप सीखना चाहते हो तो और अगर आप आज भी वही गलती रिपीट करना चाहते हो कि मेरा बस किसी भी तरीके से मुझे तो बस बैच कंप्लीट करना है तो स्कैम कर रहे हो आप खुद के साथ है ना यहां पे सर वही स्टूडेंट्स लेक्चर देखें लाइव मैनर में रिकॉर्डेड मैनर में जो खुद के रिजल्ट को सुधारना चाहते हैं जो अपना ऑब्जेक्टिव ही मिस कर चुके हैं कि सर मुझे तो बस किसी भी तरीके से बैच कंप्लीट करना है जहां पे मुझे एफर्ट्स नहीं लगाने चीजों को तो बस देख देख के किसी भी तरीके से वो आ, आप समझ रहे हो ना वो जो खुद के साथ धोखा नहीं करते हम नोटबुक बनाना स्टार्ट कर देते वो लोग कृपया लेक्चर ना देखें मैं उनके साथ बिल्कुल भी नहीं हूं मैं उन लोगों के साथ हूं जो फेयर एफर्ट्स लगाने के लिए रेडी हैं और फेयर एफर्ट्स वाले कभी भी सोल्यूशन को नहीं देखेंगे वो क्वेश्चन देख के खुद का सोल्यूशन बनाएंगे हम लोग साथ में लिखिए एस पर सीएपीएम एक्सपर सी केई इज इक्वल्स टू एज पर सी ए पी एम कॉमा केई इज इक्वल्स टू फॉर्मूला लिखो सी ए पी एम का आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ आर एफ क्या है बॉस आर एफ क्या है टेन परसेंट प्लस बीटा है वन पॉइंट टू आर एम है फिफ्टीन माइनस टेन टेन प्लस वन पॉइंट टू इंटू फिफ्टीन माइनस टेन आंसर आता है 16 के ही आ गया राइट चलिए क्वेश्चन बोल रहा है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल बारह परसेंट का ग्रोथ रहे तो हमारे पास गॉर्डेंस मॉडल लगाने के अलावा कोई चॉइस भी नहीं है राइट right? तो आइए इक्विलिब्रियम प्राइस इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम प्राइस इज इक्वल्स टू

लिखिए इक्विलिब्रियम प्राइस इज इक्वल्स टू डी वन डिवाइडेड बाय के माइनस जी सर डी वन तो दिया नहीं है तो डी जीरो विच इज थ्री लिखते हैं इंटू वन प्लस ट्वेल्व परसेंट का ग्रोथ रेट ले लेते हैं डिवाइडेड बाय जीरो पॉइंट वन सिक्स का के है माइनस जीरो पॉइंट वन टू का फिर से जी है पीपल इन द क्लास एवरी वन मुझे चाहिए फाइनल आंसर अपने अपने का ताकत दिखाइए और फाइनल आंसर कैलकुलेट करके बताइए थ्री प्लस ट्वेल्व परसेंट डिवाइडेड बाय इन द द क्लास इज इक्विलिब्रियम प्राइस पे पूरा एंड तक सॉल्व करना है हर किसी को तो ही उस क्वेश्चन को सोल्व माना जाएगा और सॉल्व करके आंसर देना है चैट बॉक्स में ये रूल है अपनी क्लास का अदरवाइज आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑडिट कर रहे हो हमें सॉल्व पूरा करना है सिर्फ बिना लिखे करना है बट सॉल्व पूरा करना आई एम वेटिंग फॉर ईच वन ऑफ योर आंसर इन द चैट बॉक्स अदरवाइज हम लोग आगे नहीं जा सकते एवरी वन एवरी वन फर्स्ट क्वेश्चन है आपको लिखना हो तो लिख सकते हो सुमित वो सब मैटर नहीं करता है आप आर एम आर एफ में परसेंटेज लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो हर स्टेप के एंड में जो सुमित आपका आंसर आता है फाइनल एक बारी छोटी 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 बारीकियां देख लो एवरी क्या हो रहा है अरे ये दिलविल कौन भेज रहा है यार हेलो ये सब गलत है अपने टीचर को ऐसे दिलविल नहीं भेज सकते हो आप चलती चैट में चलती क्लास में ठीक है सुनो सुनो भाई कैसा हो गया किसी ने पूछा किसी ने पूछा सर हम यहां परसेंटेज लिखे क्या परसेंटेज लिखे क्या नहीं मेरी बात समझना इंस्टीट्यूट को क्या मैटर करता है आपके प्रेजेंटेशन से सर क्या ये इनिशियल वर्ड्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं नहीं नहीं क्या सर फॉर्मूला मैटर करता है जी हाँ ध्यान से सुन लो हाँ इनिशियल कुछ क्वेश्चंस में सारे डिस्कशन होंगे बार बार नहीं होंगे क्या सर फॉर्मूला लिखना होता है जी हाँ क्या सर ये इनिशियल लाइंस लिखना होती है बहुत ज्यादा नहीं बट आप कैलकुलेट क्या कर रहे हो वो जरूर लिखना इक्विलिब्रियम प्राइस कैलकुलेट कर रहे हो तो वो लिखना जो भी कैलकुलेट कर रहे हो वो लिखना थर्ड क्या सर इंस्टीट्यूट का आंसर डॉट टू डॉट मैच होना चाहिए जवाब है ना जवाब है ना हर स्टेप के एंड में हर स्टेप के एंड में जो भी आंसर है वो हमारा मैच होना चाहिए राइट right? आपने यहां पे छोटा मोटा चीज किसी और तरीके से भी कर दी तो फर्क नहीं पड़ेगा स्टेप के एंड में वो चेक करेंगे कि आपका आंसर उनसे मैच हो रहा है और अगर आपका आंसर उनसे मैच हो गया तो आपको मार्क्स दे देंगे आई होप आप में से सभी ने सर्टिफाइड कॉपीज कहीं ना कहीं का कोई एग्जाम्पल देख रखा होगा राइट right? तीसरी बात फोर्थ बात एक कोशिश करके कोशिश करके एक कंक्लूजन के तौर पर इंस्टीट्यूट ने जो पूछा है ना वो लिख दिया करो जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पूछा है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न तो लॉजिकली हमें यहाँ टेक्स्ट एड कर देना चाहिए एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल्स टू सिक्सटीन परसेंट ताकि एग्जामिनर बाय चांस कोई चीज ना समझ पाए एग्जामिनर बाय चांस कुछ चीज ना समझ पाए ना तो वो भी सेटल्ड रहे कि अल्टीमेटली आपने इसको यहां ऐसे कैलकुलेट किया है वो कंक्लूजन उस तक पहुंचना चाहिए सिमिलरली यहां कंक्लूजन डाल सकते हो इक्विलिब्रियम प्राइस इज इक्वल्स टू रुपीज एटी फोर क्या मैं आपको क्या मैं आपको पूरा एंड टू एंड क्लियर कर पाया हाउ शुड द प्रेजेंटेशन बी हाउ शुड द प्रेजेंटेशन बी या ना परसेंटेज को पॉइंट लगा के करो किसी चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है इंस्टीट्यूट को आपकी इन बारीकियों से फर्क नहीं पड़ता स्टेप के एंड में आंसर मैच होना चाहिए बोलो भाई डन अब किसी का जो भी पूछना हो आगे रह के पूछना पड़ेगा आप लोग ये कंप्लेन नहीं कर सकते उस प्रेजेंटेशन पे कोई कंफर्ट नहीं हमें सब कुछ बता दिया जो जो बता सकता था ऑलराइट right, चलिए पल दैट्स रियली ग्रेट सेकेंड क्वेश्चन हम लोग क्लास में डिस्कशन करेंगे सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए द कंपनी हैज बुक वैल्यू पर शेयर ऑफ रुपीज वन थर्टी पॉइंट एट कंपनी के पास वन थर्टी सेवन पॉइंट एट का बुक वैल्यू पर शेयर है इट्स रिटर्न ऑन इक्विटी इज फिफ्टीन परसेंट जिसपे 15 परसेंट का आर है एंड इट फॉलोज अ पॉलिसी ऑफ रिटेनिंग 60 परसेंट ऑफ इट्स अर्निंग इफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 18 परसेंट वॉट इज द प्राइस ऑफ शेयर टूडे आई लाइक दिस क्वेश्चन इट इज अ बेसिक क्वेश्चन बट आई लाइक दिस क्वेश्चन सो मच क्विक 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 आप सभी को आप सभी को सोचने के लिए दो मिनट दिए जा रहे हैं क्विक दो मिनट दिए जा रहे हैं दो मिनट में जितना सोचना है सोच लो जिसने सल्यूशन देखा वो खुद के साथ धोखा कर रहा है सर आसान है यार आसान है सर क्वेश्चन में जो डेटा गिवन है उसको देख के तो मुझे यह भी पता नहीं चल रहा है कि मॉडल कौन सा लगाना है ऑल दो अभी बहुत सारे मॉडल्स है डिविडेंट मॉडल है कैश मॉडल है एसिड बेस्ड मॉडल है अर्निंग्स मॉडल है आपने सारे मॉडल सीखे नहीं है बट इस सिचुएशन में डिफरेंट मॉडल के अलावा कोई और मॉडल लग भी नहीं पाएगा या आप सारे मॉडल्स पढ़ने के बाद भी मुझे बोलोगे राइट right, सुनो मेरी बात कंपनी के पास बुक वैल्यू पर रिटर्न ऑन है मुझे नहीं पता कि equity, क्यों दिया है? 60 इसकी का करती है मतलब 40 करती होगी, लेकिन डिविडेंड का अमाउंट पता लगाना पड़ेगा पहले वो कैसे पता चलेगा जब तक अर्निंग्स नहीं पता चलेगी जब तक डिविडेंड नहीं पता चलेगा सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल अरे कॉस्ट ऑफ कैपिटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब वो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न देखो 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 एक चीज समझ लो पहली बात तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल वर्ड आने से ही समझ में आ गया होगा कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी कहना चाह रहे हैं 15, 18 सर आप कैसे अज्यूम कर सकते हो कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्योंकि दिया तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है भाई ऐसा मान के अज्यूम कर सकते हैं कि कंपनी के पूरे कैपिटल स्ट्रक्चर में सिर्फ इक्विटी होगा अगर डेट होगा ही नहीं अगर डेट होगा ही नहीं तो हमें तो मानना पड़ेगा ना अगर डेट होगा ही नहीं तो हमें तो मानना पड़ेगा कि पूरा कैपिटल इक्विटी है और कैपिटल का कॉस्ट एटीन परसेंट मतलब पूरी इक्विटी का कॉस्ट एटीन परसेंट पहली बात पहली बात सेकंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब कि अगर मैं यहां इन्वेस्ट नहीं करते इमेजिन करना इमेजिन करना के ई के ई क्या होता है एक मिनट लूंगा कॉन्सेप्चल क्लैरिटी ले लो बाद बार ये डिस्कशन नहीं होगा सुन लो आप में से जो लोग सिर्फ और सिर्फ नंबर्स के पीछे भाग रहे हो ना हम रिजल्ट चेंज नहीं कर पाएंगे हमारा सबसे बड़ी मिस्टेक जो हर एक स्टूडेंट जो नंबर के पीछे भाग रहा है वो ये कर रहा है कि वो ये रियलाइज नहीं कर रहा है कि खेल लड़ाई कभी आंसर तक पहुंचने की थी ही नहीं लड़ाई क्वेश्चन समझने की थी उसकी हर एक बारीकी समझने की थी गेटिंग इट आंसर तक वो भी पहुंच रहे हैं जिन्होंने कोई क्लास नहीं लिया स्टडी मटेरियल उठा के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तक वो भी पहुँच रहे हैं जो सेम सॉफ्ट कॉपी टू एवरी वन तो आंसर तक तो वो भी पहुंच रहे हाउ आर यू डिफरेंट यू अंडरस्टैंड क्वेश्चन रियली वेल बाय अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन यू हैव अ थॉट टू हाउ शुड आई अप्रोच द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन ठीक है सुनो मेरी बात अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब मतलब कहां से आए वर्ड ध्यान से सुन दो सर डिस्काउंटिंग रेट हमने बोला डिस्काउंटिंग रेट टू डिस्काउंट द कैश फ्लो टू डिस्काउंट द कूप डिविट वॉट शुड बी द डिस्काउंटिंग रेट सर द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न शुड बी द डिस्काउंटिंग रेट मतलब हमारे इक्विटी शेयर होल्डर उन डिविडेंड्स पे कितना कमाना चाहते हैं दैट विल बी द डिस्काउंटिंग रेट हमने पूछा आप कितना कमाना चाहते हो उन्होंने बोला हमारा कॉस्ट परसेंट है मतलब मतलब उस पैसे को, उस पैसे पैसे को को वो कहीं और लगाते जो पैसा उन्होंने कंपनी के शेयर में लगाया जहां से डिविडेंड मिल रहा है जहां से डिविडेंड मिलेगा उस पैसे को वो कहीं और लगाते तो 18 परसेंट कमा पाते लेकिन अब वो वहां पैसा नहीं लगा पा रहे ना उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एटीन परसेंट जो वो अपने से रिक्वायर करते हैं एंड दैट विल बिकम द डिस्काउंटिंग रेट क्या मैं आपको पीपल इन द क्लास कन्वे कर पाया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का रिलेवेंस कॉस्ट ऑफ कैपिटल वर्ड का रिलेवेंस विद एटीन परसेंट हायाना एवरी वन आ जाएंगे यार आ जाएंगे सल्यूशन पे आ जाएंगे बट कहीं कोई अजम्पन नहीं था कि मैं रैंडमली चीजें अज्यूम कर लू उन वर्ड्स के पीछे का एक सेंस है हो गया क्लियर बोलो यार जागो यार जागो 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 एक एक मैगी और कोल्ड कॉफी ऑर्डर कर देंगे अपन सबके लिए क्या बोलते हो मैगी और कोल्ड कॉफी मैं सोच रहा हूं थोड़ा सा क्योंकि हमारे इधर तो ठंड बहुत हो रही है यार ठंड बहुत हो रही है ऐसा लग रहा है गर्म गर्म मैगी मिल जाए और कोल्ड कॉफी ऐसी चीज है जो इतनी ज्यादा पसंद आती है कि ठंड हो या गर्मी हो पीने का मन होता ही चाय चाय तो अपनी जगह है ही एक सेकेंड अर्चना।, अर्चना अर्चना लास्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट सुन लो ना एक बार हम कह रहे हैं अर्चना आपको कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल वर्ड को कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बोल सकते हैं अगर मेरे कैपिटल स्ट्रक्चर में सिर्फ इक्विटी है अगर डेट हो ही ना तो पूरे कैपिटल स्ट्रक्चर में सिर्फ इक्विटी है इक्विटी है और सिंस सिर्फ इक्विटी है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कॉस्ट ऑफ इक्विटी होता है पहली बात दूसरी बात ये शेयर होल्डर ने जिन्होंने इक्विटी में इन्वेस्ट किया इनको क्या मिलता है रिटर्न में डिविडेंड तो हमने आपसे, इनसे पूछा कि आपके लिए कंपनी के शेयर की वैल्यू कितनी तो इन्होंने बताया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो डिस्काउंटेड एट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न तो हमने इनसे पूछा आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है तो इन्होंने बोला कि यार हम अगर कहीं और इन्वेस्ट करते ना तो हम 18% कमा पाते लेकिन अब हम पैसा वो वहां नहीं इन्वेस्ट करके आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 18% परसेंट हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है मतलब कहीं और इन्वेस्ट नहीं कर पाए इससे हमारा 18% परसेंट लूज हो रहा है इसलिए हम इस इन्वेस्टमेंट से 18% परसेंट कमाना चाहते हैं दैट बिकम्स द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न एम आई क्लियर अर्चना राइट right? तो जिन जिनको चाय मैगी कोल्ड कॉफी एक्सेट्रा चीजों के सपने आए थे वो सब एक सपनों की दुनिया थी राइट right? रियलिटी में मैं इतना अच्छा हुई नहीं जितना अच्छा आप मुझे समझ रहे हो राइट right? ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि मैं एक बहुत अच्छा इंसान हूं और मैं कभी भी आपको ऐसा चाय कोल्ड कॉफी पिलाने वाला हूं राइट right? हमारा मकसद है सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना राइट right? आ जाओ आ जाओ जाओ सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब ये फंडा तो क्लियर हो गया कि एटीन परसेंटेज के विद ऑल रेलिवेंट टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गया सर ये फंडा तो क्लियर हो गया एटीन परसेंट के what is the price of share today price of share today चलो इतना हिंट मैंने दे दिया कि इसमें हमें लगाना पड़ेगा गॉर्डनस मॉडल सर आपको कैसे पता चला गॉर्डनस मॉडल लगाना है सर आपको ऐसा क्यों नहीं लगा कि कांस्टेंट डिविडेंड मॉडल लगाना है आपको ऐसा क्यों नहीं लगा कि कांस्टेंट डिविडेंड मॉडल लगाना है जीरो ग्रोथ मॉडल क्या सिर्फ गॉर्डन सी थॉट में क्यों आया तो देखते हैं देखते हैं सर मान के चलते हैं मान के चलते हैं कि एक बार गॉर्डन्स मॉडल के लिए इनपुट्स ढूंढने की कोशिश करते हैं सर मुझे चाहिए डी वन मुझे चाहिए के और मुझे चाहिए जी ये तीन चीज़ें चाहिए फॉर द पर्पज़ ऑफ वैल्यूएशन जिसमें के मुझे एटीन परसेंट डायरेक्टली दिया हुआ है राइट डी वन चाहिए सर रिटेन अर्निंग सिक्सटी परसेंट है मतलब पे आउट रेशो कितना होता होगा फोर्टी परसेंट अगर मुझे अगर मुझे ई पी एस मिल जाए तो ई पी एस का फोर्टी परसेंट करके मैं डिविडेंट फाइंड कर सकता हूँ ग्रोथ का बाद में सोचेंगे एटलीस्ट डी जीरो फाइंड कर ही सकता हूं राइट right? या फिर मान के चलते हैं ईपीएस में फोर्टी परसेंट करके डी वन डी जीरो बट डिवेरेंट आ जाएगा राइट right? भविता इंग्लिश यूज नहीं कर सकते वाइल एक्सप्लेनिंग नंबर्स आई विल यूज इंग्लिश भविता बट द लैंग्वेज ऑफ द लेक्चर हैज टू बी इंग्लिश मतलब नॉट दैट आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश बट फॉर द कंफर्ट ऑफ एवरी वन एल्स इन द क्लास The language is going to be primarily English. Is that fine? Please. ठीक है सर मतलब कहीं ना कहीं मुझे ईपीएस मिल जाए तो ईपीएस का 40 परसेंट करके डिविडेंड आ जाएगा मेरा क्वेश्चन है अब ईपीएस कैसे मिलेगा आप में से क्लास में किसी कोई हिंट दिख रही ईपीएस कैलकुलेट करने की फटाफट फटाफट दिमाग लगाइए वी हैव स्पेंड सफिशियंट ऑफ टाइम ऑन दिस क्वेश्चन ईपीएस ईपीएस कैलक्यूलेट करने की कोई स्कीम आपके नजर में है क्या एवरी वन ईपीएस कैलक्यूलेट करने का कोई सोल्यूशन बताइए देखो रिटेन अनिंग वाली चीज से ईपीएस का कोई कैलकुलेशन नहीं दिख रहा है क्योंकि डिवरेंट होता तो रिटेन अर्निंग का यूज करके ईपीएस आ सकता था अभी EPS कैसे करें? कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कोई रिलेवेंस नहीं है मैंने बोला था जो भी इंफॉर्मेशन दी रहे ना, उसका use करने की कोशिश करना। दिया दिया है और दिया है। sir, 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 और और के बीच में कोई रिलेशनशिप होता है क्या आर और बुक वैल्यू पर शेयर के बीच में कोई रिलेशनशिप होता है क्या हाँ जी सर आर का तो एक फॉर्मूला ही होता है आर का तो एक फॉर्मूला ही होता है आर का फॉर्मूला तो क्या होता है ईपीएस पी एस डिवाइड बुक वैल्यू पर शेयर डिनोमिनेटर में आता है पर शेयर बेसिस पे इक्विटी का कैपिटल और न्यूमरेटर में आता है पर शेयर बेसिस पे इक्विटी की अर्निंग्स एवरीवन तो अगर मेरे पास अर्निंग है अगर मेरे पास बुक वैल्यू पर शेयर है तो बुक वैल्यू पर शेयर में अगर मैं आर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या मेरा ईपीएस आ जाएगा जी हाँ आप में से कुछ लोग मैथमेटिकल सोच सकते हैं और कुछ लोग कॉमन सेंस सोच सकते हैं मैं उन लोगों को ज्यादा पसंद करूंगा जो लोग कॉमन सेंस सोचते हैं सुनिए कैसे

137 की बुक वैल्यू इन्वेस्ट करके जब मैंने 15% परसेंट कमाया तो रिटर्न आ गया जो मैंने इक्विटी शेयर होल्डर के लिए कमाया और इक्विटी शेयर होल्डर के रिटर्न को पीपल इन द ईपीएस ही तो कहते हैं हाया ना हाया ना हाया ना एवरी बोलो डन 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 मतलब सर अब पिक्चर क्लियर है अब एक बार फाइनल फ्लो फाइनल फ्लो है ना कैलसी हाथ में ले लो मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ फिर कैलसी चलाएंगे अभी अभी कैलकुलेशन मत करना फ्लो देख लो सर बुक वैल्यू में जब मैं आरो मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारा आ जाएगा सर ईपीएस ईपीएस में पे आउट रेशियो मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ जाएगा डीपीएस डीपीएस में डीपीएस हो गया मेरा और केई हो गया सर ग्रोथ सर ग्रोथ जीरो अज्यूम कर ले या फिर ग्रोथ कैलकुलेट करने का कोई तरीका हमारे पास दिया हुआ है ग्रोथ जीरो अज्यूम कर ले या फिर ग्रोथ कैलकुलेट करने का हमारे पास कोई तरीका दिया हुआ है सर ग्रोथ डायरेक्टली नहीं दिए लेकिन ग्रोथ कैलकुलेट करने का एक तरीका दिया हुआ है जिसमें एक फॉर्मूला यूज होगा जो अभी तक मैंने डिस्कस नहीं किया एक फॉर्मूला यूज होगा जो अभी तक मैंने डिस्कस नहीं किया अगर आप सभी की परमिशन हो ना तो एक मिनट इस क्वेश्चन को यहीं पर रख के दो मिनट उधर कॉन्सेप्ट नोट्स में जा सकता हूं वो ग्रोथ वाला फॉर्मूला एक सेकेंड डिस्कस कर ले क्या पीपल इन द क्लास हेलो 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 एक मिनट के लिए इस क्वेश्चन को यहीं रखते हैं और आप लोगों को आना पड़ेगा कॉन्सेप्ट फॉर्मूला है, है. जो क्या बोलता है फॉर्मूला बोलता है कि यार सस्टेनेबल ग्रोथ रेट मतलब अपना जी सस्टेनेबल ग्रोथ रेट पीपल इन द क्लास वो होता है रिटेंशन रेशियो इन टू आर ओ ई रिटेंशन रेशियो इन टू आर ओ ई हम ये जानना चाहते हैं कि भाई साहब कंपनी की अर्निंग्स कंपनी का ईपीएस कंपनी के डिविडेंस कंपनी के अर्निंग्स कंपनी के डिविडेंस किस रेट से ग्रो करेंगे किस रेट से ग्रो करेंगे तो हमने बोला जो भी कंपनी का रिटेंशन रेशियो है मतलब समझो कंपनी का रिटेंशन रेशियो 60% है राइट right? और कंपनी का आरओई कितना है मान के चलो कंपनी का आरओई 10% है तो रिटेंशन रेशियो ऑफ 60% मल्टीप्लाइड बाय आरओई ऑफ 10% मतलब 6% से पीपल इन द क्लास 6% से कंपनी के डिविडेंड्स कंपनी की अर्निंग्स ग्रो करेगी ये फार्मूला है सस्टेनेबल ग्रोथ रेट का लॉजिक नहीं बताया क्या फॉर्मूला है वो बताया फॉर्मूला ये क्यों है वो भी बाद में डिस्कस करेंगे क्या फॉर्मूला इतना क्लियर एवरी वन क्लास क्या फॉर्मूला है क्लियर तो प्लीज 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 क्वेश्चन क्वेश्चन question में वापस जाइए रिटेंशन रेशियो इनटू टू का फॉर्मूला बताइए और आपके हिसाब से ग्रोथ कितनी ग्रोथ का नंबर मुझे बॉक्स में दे दो डन बात सुमित बताऊंगा मैं बताऊंगा इस बारे में भी बताऊंगा आप लोगों के हिसाब से कंपनी का ग्रोथ कितना इस बात का जवाब दे दो वेटिंग फॉर आंसर फॉर एवरी अगर आप आंसर नहीं दे रहे हो तो हम आगे नहीं जाएंगे भले से आज रात की गहरा क्यों ना बच जाए सर कंपनी का रिटेन अर्निंग है सिक्सटी परसेंट रिटेंशन रिटेंशन रेशो है 60% और रिटेंशन रेशो में 15% का आरओई मल्टीप्लाई होगा मतलब 9% आता है विच इज द अमाउंट ऑफ ग्रोथ अमाउंट नंबर ऑफ ग्रोथ इसका मतलब इस तरीके से हमें ग्रोथ भी पता चल जाएगी और अब हम गॉर्डन यूज कर पाएंगे d1 डिवाइडेड बाय k g ऑल द नंबर्स वी हैव ऑल द नंबर्स पीपल इन द क्लास वी हैव राइट right, तो चलिए सुपर क्विकली कंप्लीट करते हैं कैलसी पर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे presentation कैसे करना है है। उसके लिए आपके सामने ये पूरा solution है। All right, तो अब अपना क्लास का सुन लो। हर वो question जो हम class में solve कर रहे हैं, या फिर हर वो क्वेश्चन जो होमवर्क है सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं पूरे इस बैच की मतलब अगर आपके पास होने के लिए अगर आपके एग्जामिशन लाने के लिए 70 और 80 प्लस के टारगेट के लिए अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट बात है तो वो ये है ध्यान से सुनिएगा वो ये बात है सर कि हर वो क्वेश्चन हर वो क्वेश्चन जो हम क्लास में कर रहे हैं या फिर हर वो क्वेश्चन जो आपको होमवर्क में मिल रहा है वो क्वेश्चंस आपको अल्टीमेटली आपके नोटबुक पे लेने हैं और वो भी बिना देखे आज हमने क्वेश्चन सॉल्व किया आपको घर पे जाना है इस क्वेश्चन को रीड करना है और बिना देखे नोटबुक पे ले लेना है मतलब खुद से बिना देखे सॉल्व करना है खुद से बिना देखे आंसर तक पहुंचो फिर चाहो तो नोटबुक में जाके वेरीफाई कर लेना प्रेजेंटेशन आंसर जो जो वेरीफाई करना है कर लेना सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन पे गए क्वेश्चन देखा उसके बेसिस पे पूरा आप खुद से सॉल्व किया बिना सोल्यूशन देखे और फिर फाइनली एंड में वेरीफाई किया अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ही आपने बैच को अच्छे से अटेंड किया अदरवाइज आप खुद के साथ धोखा कर रहे हो एम आई क्लियर सबसे इंपॉर्टेंट बात बताइए सबसे इंपॉर्टेंट बात बताइए इससे आप जानते भी नहीं हो आपके साथ क्या हो रहा है इससे ये हो रहा है कि सर जब आप फर्स्ट टाइम जब आप फर्स्ट टाइम सॉल्व करेंगे ना तब ऑटोमेटिकली ये सेकेंड टाइम हो रहा होगा क्योंकि एक बार क्लास में हो चुका है और सबसे इंपॉर्टेंट जब आप इसको फर्स्ट टाइम करेंगे तो बिना देखे करेंगे बिना देखे करेंगे जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग ही जगह होगा सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग होगी जब आप इसको बिना देखे सॉल्व करेंगे ऑल राइट right, आपको घर पे क्या करना है सबको क्लियर है एवरी और ये काम हर दिन करना है हर दिन करना है। क्लास में जो समझाया वो घर पे जाके बिना देखे आपको सॉल्व करना है किसी भी हालत में समझ नहीं आ रहा है कहीं फंस गए आगे जा ही नहीं पा रहे हो तो गलत सॉल्व करो फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो सोल्यूशन देखो राइट क्लियर चलिए सर फाइनली फाइनली हमारे पास ग्रोथ आ चुका है नाइन परसेंट का के आ चुका है एटीन परसेंट का अब बात आती है फाइंड आउट करने की डिविडेंड डिविडेंड राइट आ जाइए सर बुक वैल्यू पर शेयर 137.8 बुक वैल्यू पर शेयर 137.8 137.8 का 15 परसेंट विच इज आर विल बी द ईपीएस प्लीज कैलसी हाथ में लीजिए कैलसी हाथ में लीजिए 137.8 थर्टी पे लीजिए मल्टीप्लाइड बाय 15 परसेंट कीजिए 20.67 पीपल इन द क्लास एन द अमाउंट ऑफ ईपीएस सर डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना होगा 40 परसेंट तो जो भी आपका कैल्सियम ईपीएस आ रहा है उसका 40 परसेंट कीजिए 8.268 पीपल इन द क्लास विल बी द अमाउंट ऑफ डीपीएस 8.268 विल बी दीपीएस सवाल यह है दिस विल बी डी जीरो या फिर डी वन सर क्वेश्चन ने डिविडेंट को लेकर स्पेसिफिकली कोई लैंग्वेज दी है अमृत आप कल थे क्या क्लास में क्वेश्चन ने डिविडेंड को लेकर स्पेसिफिकली कोई लैंग्वेज दी है और मैंने समझाया था अगर एग्जामिनर लैंग्वेज ना दे अगर एग्जामिनर लैंग्वेज ना दे ना दे वो आपको सुमित प्लीज ध्यान से देख लो आपको दूसरी चीजों की लैंग्वेज जज नहीं करना है आपको सिर्फ डिविडेंड की लैंग्वेज जज करना है आप ये मत सोचना कि बुक वैल्यू एक्सेट्रा की लैंग्वेज जज करोगे क्योंकि उसमें बहुत सारी डिटेलिंग है आपको लैंग्वेज जज करना है सिर्फ डीपीएस की और ईपीएस की दैट इज द सिंपल पॉइंट जहां भी आपको लगे क्लैरिटी नहीं है वहां आपको डी वन अज्यूम करना है सिंपल ऑलराइट चलिए तो 8.268 विल बी द वैल्यू ऑफ डी पीपल इन द क्लास अब आपके पास 8.268 का कैल्सिपे डी वन रखा है डिवाइडेड बाई एटीन परसेंट का एक ग्रोथ है नाइन परसेंट का तो एटीन परसेंट माइनस नाइन परसेंट मतलब 9%, तो डिवाइडेड बाय पॉइंट करके बता दीजिए कि ऑन अ राउंडेड ऑफ बेसिस पर शेयर आर यू ऑल गेटिंग एज द वैल्यू ऑफ द शेयर रुपीज नाइन्टी वन पॉइंट एट सेवन प्राइस ऑफ शेयर टूडे क्वेश्चन नंबर टू हां या फिर ना क्विक 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 बहुत ही आसान मतलब मैं बता दूं भाई साहब आप सभी को आपके पास में दो चीजें रख लो अब अपनी अलर्टनेस और अपना कैलकुलेटर क्लियर छोटे से क्वेश्चन पे बहुत टाइम दिया आपको ऐसा लगा होगा क्योंकि इनिशियल क्वेश्चन है ना कुछ चीजें रिपीट होना बंद हो जाएगी ऑलराइट राइट right, अतरा डन अंकिता डन प्रेरणा डन डेसिमल्स का बता दो सुनिए प्रेरणा जितने भी जितने भी रुपीस की टर्म्स में अमाउंट आते हैं राइट वो कोई सा रुपी की टर्म्स में अमाउंट हो वो ईपीएस हो वो एमपीएस हो वो बुक वैल्यू पर शेयर हो जनरल रूल है दो डेसिमल पॉइंट्स का जनरल रूल है दो डेसिमल पॉइंट्स का मैं आज अपने टेलीग्राम पे दो चीजें फॉरवर्ड करने वाला हूं एक तो कंपेयर किया है को 2023 और, 2024 को, और दूसरा टेक्स्ट मैसेज फॉरवर्ड करने वाला ऑटोमेटिकली चीजें क्लियर हो जाएगी जनरल रूल है दो डेसिमल पॉइंट तक लेने का कुछ सिचुएशन ऑटोमेटिकली आ जाएगी जहां पे तीन डेसिमल पॉइंट्स तक लेंगे वो मैं आपको बता दूंगा जब वो सिचुएशन आएगी डन फूल क्वेश्चन नंबर थर्ड इतना ज्यादा आसान क्वेश्चन अगर हमने इसको क्लास में कर लिया तो आपका ईगो हर्ट हो जाएगा एंड दिस क्वेश्चन टू बी डन इन फॉर्म ऑफ़ होमवर्क पीपल इन द क्लास दिस क्वेश्चन टू बी डन बाय यू पीपल इन द क्लास इन फॉर्म ऑफ होमवर्क ठीक है तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन क्लास में किया था सेकेंड क्वेश्चन हमने क्लास में किया थर्ड क्वेश्चन आपका होमवर्क फोर्थ क्वेश्चन मुझे देखने दो फोर्थ क्वेश्चन एक बार चाहे तो कर लेते हैं चलिए फोर्थ क्वेश्चन पीपल इन द क्लास क्विक क्लास में करें आ जाइए बस बहुत जल्दी करना है फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा जल्दी करना है आ जाइए सर

सर डिविडेंड पर शेयर फोर फोर रुपीज दोनों कंपनी का दोनों कंपनी का ग्रोथ रेट टेन टेन परसेंट बीटाज अगर देखें तो दोनों कंपनी के नाइन और वन पॉइंट टू पॉइंट नाइन और वन पॉइंट टू दोनों का सी एम पी वन फिफ्टी और सेवेंटी रुपीज और अदर इंफॉर्मेशन क्या दिए रिस्क फ्री रेट सेवन परसेंट रेट ऑफ रिटर्न ऑफ मार्केट मार्केट रेट ऑफ रिटर्न ट्वेल्व परसेंट डेटा सर आप सभी के सामने कैलकुलेट द प्राइस ऑफ शेयर ऑफ बोथ द कंपनीज डेटा देख के आपको लग रहा है कि गॉर्डन्स मॉडल लगाने के अलावा हमारे पास कोई चॉइस भी नहीं है गॉर्डेंस मॉडल लगाने के अलावा अपने पास कोई चॉइस भी नहीं है है ना नीरज एल डी आर क्वेश्चन अभी इस बैच में बिल्कुल भी नहीं बताए जाएंगे बाद में दिखेंगे मार्च में अप्रैल में कहीं दिमाग लगाएंगे ऑल राइट चलिए सर इनको डिवरेंस को क्या मानना है डी वन मानना है तो सर हमारे पास डी वन हो गया हमारे पास जी हो गया और क्या चाहिए केई चाहिए सर अगर बीटा मिल जाए आर एम मिल जाए आर एफ मिल जाए तो के ही आ जाएगा क्लास के वो स्टूडेंट्स जिनका नाम के और उसके पहले आता है वो एक्स लिमिटेड फटाफट अपने अपनी काबिलियत दिखाइए और के ही बताइए मुझे एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड का के के पहले वाले बच्चे एक्स बता दो के और उसके बाद वाले वाई का के ही बता दो एवरी क्विक सुमित निश्चल सब के के बाद वाले लोग ज़्यादा है के के पहले का कोई है कि नहीं 15.4 बाद वाले लोग बता रहे हैं 15.4 बाद वाले लोग बता रहे हैं मतलब 14-7 मतलब 7 7 into 1.2 होता होगा 7 into 1.2 होता है सर 8.4 और 8.4 और 7 होता है 15.4 तो 15.4 वालों ने तो सही बोला और 13.3 वाले सर सेवन इंटू पॉइंट नाइन सिक्स पॉइंट थ्री सिक्स थ्री और सेवन थर्टीन पॉइंट थ्री का, का right, के तो सर हमारे पास डी वन आ गया जी आ गया के ई आ गया इस क्वेश्चन में बताइए हमारे लिए हमारे लिए वापस वापस जिन लोगों ने जो केई फाइंड आउट किया था उस केई के हिसाब से रेस्पेक्टिव लोग अपने अपने हिसाब से शेयर का प्राइस बताइए जिन लोगों ने जो के ई फाइन किया था उसके अकॉर्डिंग रेस्पेक्टिव लोग अपने अपने हिसाब से शेयर का प्राइस बताइए प्लीज डी वन डिवाइडेड बाय के माइनस जी मुझे लगाना है तो यहां आएगा यहां आएगा फोर डिवाइड बाय जीरो पॉइंट वन थ्री थ्री माइनस पॉइंट जीरो नाइन और यहां हो जाएगा फोर डिवाइड बाय जीरो पॉइंट वन फाइव फोर माइनस पॉइंट जीरो नाइन सॉरी ग्रोथ रेट टेन परसेंट है पॉइंट वन जीरो पॉइंट वन जीरो माई बैड सुमित का कहना है 74.07 प्लीज दो डेसिमल पॉइंट तक लेना और राउंडिंग ऑफ करना 74.07 जितेंद्र का कहना है 121.21 कंफर्म कर दो 74.07 ग्रेट अमृता 121.21 ग्रेट पवन आई सॉ योर आंसर आयुषी वेटिंग फॉर आंसर मुस्कान वेटिंग फॉर आंसर अच्छा मुस्कान हैज गिवन आंसर सुमित निश्चल आपका आंसर मैंने देख लिया स्माइल आपका आंसर मैंने देख लिया पवन आंसर देख लिया अर्चना आयुषी वन ट्वेंटी टू वन ग्रेड एवरी वन चलो सर रेस्पेक्टिव रेस्पेक्टिव प्राइस आ गई राइट द कमेंट ऑन द वैल्यूएशन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस कैलकुलेटेड सर मैं एक स्टेटमेंट पास कर रहा हूं ट्रू या फॉल्स बताना प्राइस वन ट्वेंटी वन है प्राइस वन ट्वेंटी वन है मार्केट में है वन फिफ्टी सिंस वन ट्वेंटी वन वन फिफ्टी से कम है सिंस 121 कम है 150 से तो हम बोलेंगे शेयर इज अंडर वैल्यूड हम बोलेंगे शेयर इज अंडर वैल्यूड अंडर वैल्यूड यस या नो ट्रू या फॉल्स शेयर प्राइस 121 ट्वेंटी वन इज अंडर वैल्यूड एज कंपेयर टू वन फिफ्टी हा या ना पे जवाब दीजिए आप में से जिस जिसको लगता है शेयर अंडर वैल्यूड है सुमित अनफॉर्चुनेटली आपके किसी भी दोस्त ने आपका साथ नहीं दिया अब आप अकेले रह गए हो और सिंस आप अकेले रह गए हो आपके लिए एक पनिशमेंट है पनिशमेंट ऐसा है भाई कि अपने आसपास कोई भी ऐसी एक हैवी चीज उठाइए है। जैसे कि स्टील का बॉटल उठाइए जल्दी उठाइए आगे की प्रोसेस बताता हूं अब जितनी आप में ताकत है जितनी भी भगवान ने आपको ताकत दी है पूरी ताकत लगाकर उस बोतल से बहुत जोर से अपने सिर पे मार लीजिए हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि कमेंट हमेशा किस पे करना होता है उस प्राइस पे जो मार्केट में चल रही है ना कि उस प्राइस पे जो आपने कैलकुलेट की है वन ट्वेंटी वन आपने कैलकुलेट की है आपको कमेंट करना होगा उस प्राइस पे जो मार्केट में चल रही है आप बोलोगे दिस शेयर विच इज़ शेयर एक्स इज़ ओवर वैल्यूड क्योंकि वन फिफ्टी ज़्यादा है सेवेंटी कम है एज़ कंपेयर टू सेवेंटी फोर तो ये वाला शेयर इज़ अंडर वैल्यूड राइट right. इस तरीके से आपको अंडर और ओवर वैल्यूशन का कमेंट करना है सी पार्ट वॉट कोर्स ऑफ एक्शन शुड बी फॉलोड हम क्या कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो करें सर जो अंडर वैल्यूड चीज है उसको खरीद लो जो ओवर वैल्यूड चीज है उसको बेच दो दिस इज द सिंपल कोर्स ऑफ एक्शन अंडर वैल्यूड चीज को बेच दो खरीद लो ओवर वैल्यूड चीज को बेच दो सिंपल इजी सेट ऑल राइट क्वेश्चन नंबर फोर्थ पीपल इन द क्लास डन हम लोग बिना रुके बिना रुके क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे आएंगे अगर किसी को कुछ डाउट है तो इन द मेन टाइम पूछ लीजिए अर्चना डी जीरो डी वन का अजम्पन नाइंटी नाइन परसेंट केसेस में डिविडेंड की लैंग्वेज से डिसाइड होगा डीपीएस और ईपीएस के लैंग्वेज से डिसाइड होगा करेक्ट आप ये मत सोचो कि ग्रोथ रेट दिया है तो मैं इसको डी जीरो मान लू ताकि वन प्लस जी करके मैं डी वन कर देंगे एम आई क्लियर अर्चना एग्जाम में क्या करना है इंस्टीट्यूट क्या करता है आपको पता चल गया पहली बात दूसरी बात ठीक है डन क्वेश्चन नंबर फोर्थ पीपल इन द क्लास डन फिफ्थ सुपर आसान क्वेश्चन सुपर आसान क्वेश्चन होमवर्क करना है वो भी बिना देखे होमवर्क करना है वो भी बिना देखे क्योंकि हम लोग इजी क्वेश्चन होमवर्क करेंगे तभी डिफिकल्ट क्वेश्चन क्लास में कर पाएंगे फिफ्थ क्वेश्चन में एक परसेंट की भी ऐसी बात नहीं है जो आप नहीं समझ पाए क्वेश्चन नंबर सिक्स एक मिनट देख लीजिए देखने दीजिए मुझे सेवेंथ एट नाइन्थ क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर सिक्स भी बहुत आसान क्वेश्चन नंबर सिक्स बहुत आसान अगेन होमवर्क सुपर इजी क्वेश्चन और एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन question. ऐसे क्वेश्चन में हमारे पास गलती करने का कोई स्कोप होना ही नहीं चाहिए क्योंकि आसान है और मार्क्स भी देते हैं तो क्वेश्चन नंबर सिक्स आसान क्वेश्चन होमवर्क खुद से करके आना है बिना देखे बिना देखे खुद से करके आना है क्वेश्चन नंबर सेवेंथ क्लास में डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन तो ऑल दो आसान है क्वेश्चन ऑल दो बहुत आसान है लेकिन इसमें एक चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूं जो आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है क्वेश्चन नंबर सेवन पीपल इन द क्लास क्लास में कर रहे हैं आ जाइए नवंबर ट्वेंटी थ्री के एम टीबी में पूछा गया क्वेश्चन और उसके पहले एग्जाम्स में तो पूछा ही गया था आ जाइए यार एक कमेंट है मुझे समझ ही नहीं आ रहा है सर एवीवी क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करवाते है कि नहीं कि बस हवा हवाई ये पूछना चाह रहे हो क्या कि हम लोग क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि नहीं तो अगर आप ये पूछना चाह रहे हो तो उसका जवाब ये है सारे डिफिकल्ट सारे एम्बिग्स सारे ट्रिकी क्वेश्चन सारे आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन या फिर वो क्वेश्चन जिसमें कोई नया कॉन्सेप्ट आप सीखते हो वो सारे क्वेश्चन हम लोग क्लास में करेंगे रिपीटेड इजी बेसिक क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करेंगे राइट right? और जो क्वेश्चन क्लास में करेंगे उनको कैलसी पे डिस्कस करेंगे स्टेप वाइज डिस्कस करेंगे पूरा खोल के रख देंगे एल डी आर क्वेश्चन फिर से रिपीट नहीं करूंगा बाद में देखे जाएंगे क्लास के दौरान कुछ मार्क नहीं किया जाएगा राइट right? देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर सेवेंथ देख लीजिए द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज नाइन परसेंट एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो इज थर्टीन परसेंट तो आर एफ नाइन परसेंट दिया आर एफ थर्टीन परसेंट दिया एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंट ऑफ प्लेटिना इज सेवन परसेंट द लास्ट डिविडेंट पेड द लास्ट डिविडेंट पेड डी जीरो विदाउट एनी कन्फ्यूजन ऑन द इक्विटी स्टॉक ऑफ द फॉर्म वॉज रुपीज टू बीटा इज वन पॉइंट टू वॉट इज द इक्विलिब्रियम प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस आप सबको थर्टी सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूं मैं थर्टी सेकेंड का टाइम दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर सेवन का मुझे आंसर चाहिए थर्टी सेकेंड का टाइम है आप सभी के पास क्वेश्चन नंबर सेवन के ए पार्ट का मुझे आंसर चाहिए सारी इंफॉर्मेशन हंड्रेड परसेंट क्लैरिटी से दी गई है यहां पे डाउट का कोई स्कोप नहीं है क्विक 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 एवरी मात्र थर्टी सेकेंड का टाइम हर किसी से लिटरली हर किसी से आंसर चाहिए मुझे और जिसका आंसर चैट बॉक्स में सबसे पहले आएगा बोलो यार जिसका आंसर चैट बॉक्स में सबसे पहले आएगा उस स्टूडेंट को बाकी सारे स्टूडेंट्स को पार्टी देना होगी मतलब आज की कोल्ड कॉफी उस स्टूडेंट की साइट से होगी जो सबसे पहले आंसर आएगा देगा और उस स्टूडेंट का नाम मेरे चैट बॉक्स के अकॉर्डिंग मुस्कान है सो so, मुस्कान आपके लिए बहुत बहुत अच्छी खुशखबरी आपको कोल्ड कॉफी पिलानी होगी सारे स्टूडेंट्स को आज 31.47 बताया जा रहा है एक बार कंफर्म कर लेते हैं सर आर एम थर्टीन परसेंट है आर एफ थर्टीन नाइन परसेंट है तो 13 में से 9 13 में से 9 माइनस किया मतलब आर एम माइनस आर एफ आ गया तो मार्केट रिस्क प्रीमियम आ गया 4% परसेंट फोर परसेंट में बीटा मल्टीप्लाई किया 1.2 टू का इंटू वन किया तो आया 4.8 और 4.8 में फिर से आर एफ ऑफ नाइन ऐड किया तो हमारा थर्टीन का के आ गया सर थर्टीन पॉइंट एट का के है डी जीरो है टू रुपीज और ग्रोथ ग्रोथ है सेवन परसेंट तो टू प्लस टू प्लस सेवन परसेंट किया तो टू पॉइंट वन फोर का डी आ गया राइट थर्टीन पॉइंट एट का के था माइनस जीरो पॉइंट जीरो नाइन का फिर से ग्रोथ मतलब फोर पॉइंट एट डिवाइड करना पड़ेगा डिवाइड बाई पॉइंट जीरो फोर एट गिफ्टी फोर्टी फाइव पॉइंट समथिंग कहां मिस्टेक हो गई भाई साहब

13.8 है यहाँ तक तो, तो सब कुछ सॉर्टेड है डन क्वेश्चन के बी पार्ट पे आते हैं किसी स्टूडेंट को इसमें डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए रक्षिता 31.47 पवन अनीश अनीश 26.75 कहाँ से आया कहीं कोई मिस्टेक हो तो प्लीज पूछ सकते हो जितेंद्र अमृता अथरा प्रेरणा अंकिता आयुषी आप सभी के आंसर हमने देख लिए राइट right? अर्चना ग्रेट एवरीवन एवरीवन डन श कहीं मिस्टेक हो तो प्लीज पूछना पड़ेगा और अगर कैलकुलेशन मिस्टेक है तो आगे से अलाउड नहीं है हाउ वुड द इक्विलिब्रियम प्राइस चेंज वेन जो इक्विलिब्रियम प्राइस किस तरीके से चेंज हो जाएगा अगर इन्फ्लेशन प्रीमियम दो परसेंट से बढ़ जाता है एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट तीन परसेंट से बढ़ जाता है और बीटा वन पॉइंट थ्री हो जाता है तो ध्यान से देखना ध्यान से देखना इन्फ्लेशन प्रीमियम टू परसेंट से बढ़ेगा इन्फ्लेशन प्रीमियम के बढ़ने से आपके हिसाब से क्या क्या बढ़ेगा आर बढ़ेगा क्या आर एफ बढ़ेगा क्या ग्रोथ बढ़ेगा क्या 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 बढ़ेगा प्लीज बताइए नीरज आंसर दीजिए इन्फ्लेशन प्रीमियम से क्या क्या बढ़ेगा आरएम बढ़ेगा क्या आरएफ बढ़ेगा क्या ग्रोथ बढ़ेगा क्या सर आर एम भी बढ़ेगा आर एफ भी बढ़ेगा मैं बता देता हूं क्यों बढ़ेगा ध्यान से देख लो कॉन्सेप्ट और ये बारीकी आप तक बहुत अच्छे से पहुंच चुकी थी बेसिक्स में सर ये जो आर एफ आर एफ हम बोल रहे हैं क्या ये रिस्क फ्री रेट है क्या ये रिस्क फ्री रेट है हाँ सर हाँ सर रिस्क फ्री रेट है कौन सा रिस्क फ्री रेट है सर रियल रिस्क फ्री रेट है या नॉमिनल रिस्क फ्री रेट है मैंने क्या बोला जब तक एग्जामिनर ना बोले वो रियल नहीं होता है जब तक सब कुछ साइलेंट है वो नॉमिनल होता है क्योंकि हमारे आसपास एक्चुअल वर्ल्ड में जो कैश फ्लोज और जो रेट प्रिवेल करते हैं वो नॉमिनल रेट ही होता है हमारे आसपास एक्चुअल वर्ल्ड में जो रेट प्रिवेल करता है वो नॉमिनल रेट ही होता है तो ये जो नॉमिनल रिस्क फ्री रेट होता है ना दैट इंक्लूड्स रियल रिस्क फ्री रेट प्लस इन्फ्लेशन प्रीमियम एम आई क्लियर मतलब इन्फ्लेशन प्रीमियम आर का तो पार्ट बन गया यहां तक तो क्लियर है इन्फ्लेशन प्रीमियम आर का तो पार्ट बन गया सर आर एम मतलब वो रेट जो मार्केट मार्केट पोर्टफोलियो पे मार्केट में क्या रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है तो सर इक्विटी मार्केट में तो रिस्क भी है मतलब जो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है वो तो मिलेगा ही मिलेगा ओवर एंड अब दैट रिस्क प्रीमियम भी मिलेगा मतलब आरएम इज इंक्लूसिव ऑफ रियल रिस्क फ्री रेट प्लस इंफ्लेशन रेट प्लस द रिस्क प्रीमियम फॉर टेकिंग मार्केट इक्विवेलेंट रिस्क मार्केट इतनी रिस्क लेने के लिए उसमें तो रिस्क प्रीमियम भी इंक्लूडेड है मतलब इन्फ्लेशन प्रीमियम पीपल इन द क्लास इज अ पार्ट ऑफ बोथ आरएम एंड आरएफ तो चलो ये सर तो क्लियर हो गया मतलब अगर इन्फ्लेशन प्रीमियम टू परसेंट से बढ़ जाएगा तो रिवाइज आर एफ इलेवन परसेंट हो जाएगा रिवाइज आर एफ इलेवन परसेंट हो जाएगा रिवाइज आर एम थर्टीन प्लस टू फिफ्टीन परसेंट हो जाएगा सर ग्रोथ थ्री परसेंट से बढ़ जाएगा मतलब सेवन प्लस थ्री मतलब टेन परसेंट हमारा ग्रोथ हो जाएगा ऑल राइट और बीटा इंक्रीज टू इंक्रीज टू वन पॉइंट थ्री मतलब बीटा वन पॉइंट टू की जगह वन पॉइंट थ्री हो जाएगा पीपल र वी ऑल पीपल इन द क्लास हंड्रेड परसेंट सेटल्ड बोलिए क्या रिवाइज इनपुट्स आ चुके हैं आप तक रिवाइज इनपुट्स एक बार हायाना में रिस्पॉन्स कर दीजिए एवरी वन बिफोर आई मेक यू सॉल्व फर्दर थिंग्स रेस्पॉन्स कर दीजिए हायाना में राइट right? तो चलो 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 फटाफट आ जाइए और अपने कैलसी की ताकत दिखाई और बताइए केई का कैलकुलेशन और उसके बाद इक्विलिब्रियम प्राइस पहले बताइए केई का कैलकुलेशन सर 15 माइनस इलेवन होता है 4 4 में सर 1.3 मल्टीप्लाई करते हैं और वापस 11 ऐड कर देते हैं 4 में 1.3 मल्टीप्लाई करते हैं मतलब 5.2 और वापस इलेवन ऐड करते हैं सिक्सटीन का पीपल अंदर क्लास के आ जाओ अपने अपने कैलसी पे सिक्सटीन तक सिक्सटीन के केई पे आ जाइए और इक्विलिप्रियम प्राइस हो जाएगा सर डिविडेंड जो टू रुपीज है लेकिन इस टू रुपीज में इस बार जो ग्रोथ रेट मल्टीप्लाई करना है के माइनस जी में भी टेन परसेंट लेना पड़ेगा डन तो टू में टेन परसेंट एड कीजिए और डिवाइड बाय पॉइंट जीरो सिक्स टू कर दीजिए डिवाइड बाय पॉइंट जीरो सिक्स टू कर दीजिए सो टू प्लस टेन परसेंट डिवाइडेड बाय पॉइंट जीरो सिक्स टू आंसर आता है 35.48 पीपल इन द क्लास 35.48 इवन आफ्टर राउंडिंग ऑफ इट इज 35.48 सुपर इजी क्वेश्चन गेट्स डन क्या सेवेंथ क्वेश्चन को देख कैसा लगा क्या कि काश यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए यस yes. कि काश यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए एट्थ क्वेश्चन एट्थ क्वेश्चन देखने दीजिए इस एट्थ क्वेश्चन में एक परसेंट की भी बड़ी बात है क्या एट्थ क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेसिक प्लस अच्छा क्वेश्चन मन तो हो रहा है क्लास में कर ले मतलब एक मन हो रहा है होमवर्क दे दे बट कंट्रोल नहीं हो रहा है ऐसा लग रहा है क्लास में कर लेना चाहिए आप में से कौन कौन लोग इसको क्लास में करने के लिए इन हो पीपल इन द क्लास अभी हाल कैल्सी पे आप में से कौन कौन लोग एट्थ क्वेश्चन को अभी हाल क्लास में करने के लिए इन हो इन क्लास में एवरी ठीक है अब मेरी एक रिक्वेस्ट है अब मेरी एक रिक्वेस्ट है क्लास में हम लोगों का पेस है एक स्पीड है जिससे हम सॉल्व कर रहे हैं राइट आप में से कोई भी स्टूडेंट बाय चांस पीछे रह जाता है कोई कैलकुलेशन करने में या फिर कोई चीज समझने में तो आपको विदाउट हेजिटेशन मुझे बोलना है कि सर ये चीज फिर से समझा दो या चीज फिर से करा दो आप समझ रहे हो गया इस बात को मस्ती अपनी जगह जल्दी करना अपनी जगह जोश अपनी जगह स्पीड अपनी जगह लेकिन आपको कहीं भी आपकी अंडरस्टैंडिंग में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है इज दैट फाइन एवरी है ना किसी भी हाल में यस yes. तो भाई ये जो लर्निंग अप्रोच वाले हैं आपका नाम नहीं मुझे नहीं पता बट दिस इज हाउ द बैच इज डिजाइन इसी तरीके से क्योंकि मुझे कराने में प्रॉब्लम नहीं बट टाइम का लिमिट है जिस डिटेलिंग में कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं जिस डिटेलिंग में क्वेश्चन समझ रहे हैं अगर उस डिटेलिंग में लिखवा के कर दिया ना तो रेगुलर बैच के भी आगे पहुंच जाएंगे समझ रहे हो क्या तो नए स्टूडेंट को आप शायद आज ही ज्वाइन किया आज आपका फर्स्ट लेक्चर इट सीम्स बाकी जो क्लास में नए स्टूडेंट है हमारा पहले ही एक रेपो बैठ चुका है और नए स्टूडेंट को नए स्टूडेंट को सबको पता है कि उनको घर पर एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी जहां पे उनको प्रेजेंटेशन बुक का फॉलो करते हुए खुद से उन सोल्यूशन को करना पड़ेगा और राइट भावेश आपने क्वेश्चन पूछा मुझे बहुत अच्छा लगेगा बहुत अच्छा लगा भावेश पूछ रहे हैं सर एक बार प्लीज इन्फ्लेशन प्रीमियम का मतलब ब्रीफ में समझा दो भावेश आई डोंट नो अगर आपने पुराने लेक्चर देखे या नहीं देखे अगर नहीं देखे तो ऑटोमेटिकली ये कॉन्सेप्ट वहां पे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा फिर भी एक बार मैं बता देता हूं एक सेकेंड सुन लो है ना एक सेकेंड सुन लो हा अंकिता कोई प्रॉब्लम नहीं है आप आंसर दे रहे हो ना दैट इज अप्रीशिएबल अगर लेट भी आ रहा है आपका आंसर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है देवेश थैंक यू सो मच अब इससे ज्यादा तारीफ मत करना अदरवाइज ब्लश मुझे ब्लश करना पड़ेगा ऑल राइट right. भावेश कैसा हो गया कि मैंने एक कॉन्सेप्ट समझाया था भावेश क्लास में कि सौ रुपया अगर आज आप बैंक में इन्वेस्ट करते हो सौ रुपया बैंक में इन्वेस्ट करते हो तो बैंक सेवन परसेंट रिटर्न के साथ आपको एक सौ सात रुपया रिफंड करता है रिटर्न देता है इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट मतलब हाउ मच इज द रेट ऑफ रिटर्न बैंक इज गिविंग टू यू सेवन परसेंट सर मान के चलो बैंक में कोई रिस्क नहीं है मतलब सेवन परसेंट रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है और ये सेवन परसेंट एक नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न है क्योंकि मैंने बोला था आपके एक्चुअल वर्ल्ड में वॉट रेट ऑफ रिटर्न यू गेट इज द नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न अब आपने देखा कि यार वायर यार मुने तो सेवन परसेंट कमा लिया लेकिन आपको पता चलेगा कि ये सौ रुपये से समझो आप पहले एक एप्पल खरीद पाते थे लेकिन एक साल बाद उसी एप्पल को खरीदने गए ना तो वो एक एप्पल एक सौ रुपए का हो गया बिकॉज ऑफ थ्री इन्फ्लेशन वो सेम एप्पल अब आप मार्केट में खरीदने जा रहे हो भविष्य तो वन का हो गया बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन तो जहां भावेश आपको लग रहा था आपने सेवन परसेंट कमाया डू यू अग्री वो सौ रुपए की वैल्यू वो सौ रुपए सेम चीजें खरीद पाएगा जो अब एक सौ तीन रुपया खरीद पाता है मतलब आर यू रियलाइजिंग एक साल पहले का सौ रुपया और आज का एक सौ तीन रुपया बराबर हो गया क्योंकि दोनों सिर्फ एक एप्पल ही खरीद पा रहे हैं एवरी वन पीस भावेश 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 मतलब डू यू रियलाइज कि अगर सेवन परसेंट में से तीन परसेंट का इन्फ्लेशन प्रीमियम में अलग हटा दूं सेवन परसेंट में से तीन परसेंट का मैं इंफ्लेशन प्रीमियम अलग हटा दूं तो जो नेट नेट आपने कमाया ना इन रियल टर्म्स इन रियल टर्म्स जो आपने कमाया दैट इज जस्ट फोर परसेंट विच इज एक्चुअली ऑन एक्सक्लूडिंग इन्फ्लेशन भावेश हाया नाम में जवाब देना तो एक्सक्लूडिंग इन्फ्लेशन जो आपका रेट ऑफ रिटर्न है उसको कहते हैं रियल रेट ऑफ रिटर्न अब सिंस बैंक का रेट रिस्क फ्री था तो हमने इसको बोला रियल रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न सिमिलरली वो जो फोर परसेंट था सॉरी फोर परसेंट आपका रियल रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न हो गया थ्री परसेंट हो गया आपका इन्फ्लेशन प्रीमियम राइट तो अगर आप फोर परसेंट रियल फ्री रेट ऑफ रिटर्न कमाते हैं और अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन फाइव परसेंट हो जाता है तो आप टोटल कितना कमाना चाहोगे आप बोलोगे भाई साहब देखो रियल टर्म्स में मुझे फोर कमाना है प्लस मार्केट में अगर इन्फ्लेशन फाइव चल रहा है तो मुझे फाइव वो कमाना है मतलब टोटल मुझे कितना कमाना है नाइन परसेंट कमाना है भावेश क्या मैं आपको समझा पाया कि रिस्क फ्री रेट रियल रिस्क फ्री रेट बोलता है कि इन्फ्लेशन के अलावा आप कितना कमाना चाहते हो जैसे यहां तीन परसेंट कमा रहे थे समझो आपने बोला मैं तो चार परसेंट कमाना चाहता हूं इसके बाद आप और क्या कमाना चाहोगे सर इन्फ्लेशन कमाना चाहोगे क्योंकि वही तो आपके कैपिटल को कॉम्पनसेट करेगा हंड्रेड के कैपिटल को हंड्रेड एंड थ्री वो इन्फ्लेशन प्रीमियम ही तो बनाएगा राइट right? और फिर रिस्क प्रीमियम वॉज आई क्लियर भावेश ऑन दिस चलिए चैट में जाने दीजिए आपका हो गया अगला हो गया अंकिता लेट का कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है चलिए डन एवरी वन कैन वी प्रोसीड कैन वी प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर एट पीपल इन द क्लास जहां पे आप सभी ने बोला था और इन फॉर दैट क्वेश्चन नंबर एट रीड करना स्टार्ट है, करते हैं है ना आ ही जाइए इसको क्या हो गया भाई टंग टंग क्वेश्चन नंबर एट क्लास वर्क क्वेश्चन बना रहे हैं इसको ग्रीन मार्क कर रहे हैं All right, done. Come on. Right. सर क्वेश्चन नंबर एट जो मे थर्टी में पूछा गया था स्टडी मटेरियल और प्रैक्टिस में आरटीपी दोनों में है है एक्स लिमिटेड जस्ट जस्ट डिक्लेयर्ड डिक्लेयर्ड नो कंफ्यूजन इज इज योर ठीक मिस्टर बी प्लानिंग टू द शेयर एंटिसिपेटिंग इंक्रीज इन ग्रोथ रेट फ्रॉम एट परसेंट टू नाइन परसेंट फिलहाल ग्रोथ रेट एट परसेंट होगी जो नाइन परसेंट हो जाएगी विच विल कंटिन्यू टू फॉर थ्री इयर्स ही ऑल्सो एक्सपेक्ट द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर टू बी थ्री सिक्सटी आफ्टर थ्री इयर्स क्या क्या बताया सुनो सुनो टाइमलाइन इमेजिन कर लो एक सेकेंड काम हो जाएगा फिलहाल जो डिविडेंड डेयर किया वो फोर्टीन रुपीज थर्ड ईयर में रेस्पेक्टिव ईयर में डिविडेंड किस रेट से ग्रो करेगा 9 से अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है right? और थर्ड ईयर के एंड में थर्ड ईयर के एंड में थ्री सिक्सटी शेयर को बेच भी पाएंगे ऑल राइट यू आर रिक्वायर टू डिटरमाइन द मैक्सिमम अमाउंट वी शुड पे फॉर द शेयर इफ इज थर्टीन परसेंट रेट ऑफ रिटर्न पर एनम अगर उसको थर्टीन परसेंट रेट ऑफ रिटर्न पर एनम चाहिए तो उसको मैक्सिमम कितना रुपया देना चाहिए शेयर के लिए सर, सर, ये पहली बार पहली बार आपने कौन सा मॉडल फेस किया है वो आपको याद है डेफिनाइट नंबर ऑफ इयर्स तक हम शेयर को होल्ड कर रहे थे इनफाइनाइट नंबर ऑफ ईयर्स तक हम पहुंचे ही नहीं अभी हम सिर्फ डेफिनेट नंबर ऑफ इयर्स तक शेयर को होल्ड कर रहे हैं अग्रीमेंट डिसअग्रीमेंट पीपल इस बार मेरे फ्यूचर कैश फ्लो में सिर्फ चार कैश फ्लो है वन टू थ्री का डिविडेंट और थर्ड ईयर का सेलिंग प्राइस या ना बोलो यार बोलो यार या ना या ना तो सर सर अगर मेरा ग्रोथ रेट नाइन परसेंट है अगर मेरा ग्रोथ रेट नाइन परसेंट है तो नाइन परसेंट की ग्रोथ रेट से डिविडेंड को बढ़ा लेके हाँ हमने जब नीचे देखा तो पता चला फ्यूचर वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ नाइन परसेंट दिए थे मतलब बढ़ाने के लिए हमें प्रेसाइजली इन ही फ्यूचर वैल्यू फैक्टर्स का यूज करना होगा ऑल राइट कूल 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 तो आप चाहें तो इसका टेबुलर प्रेजेंटेशन कर दे और आप चाहें आप चाहें तो एक सिंपल तरीका आसान एक और सिखाता हूँ सीख लीजिए है ना अभी अभी नोटबुक में नहीं यहीं लिख लीजिए हम बोलेंगे हम बोलेंगे एक सेकंड देखना ठीक हम बोलेंगे इंट्रेंसिक वैल्यू क्या वर्ड बोला मैक्सिमम अमाउंट ना तो अभी इसका नाम रखते हैं पी जीरोक्वल्स टू डी वन डिवाइडेड बाय वन प्लस के टू दावर वन प्लस डी टू डिवाइड बाय वन प्लस के टू दावर टू वन प्लस के टू power टू प्लस डी थ्री प्लस सेल्स प्राइस दोनों चीजें डिवाइड बाय वन प्लस के टू दी पावर थ्री एक लाइन में ये लिखा और नेक्स्ट लाइन में सारे नंबर्स पुट कर दिए जैसे जैसे सर हम डी वन का नंबर कैसे पुट करेंगे देखो नीचे दिखाता हूं डी वन का नंबर किस तरीके से पुट करेंगे ध्यान से देख लीजिए सर डी जीरो कितना है डी जीरो कितना है फोर्टीन कहां गया डी जीरो कहां गया अपना फोर्टीन है ना ऑल राइट तो सर और ग्रोथ रेट कितना था नाइन परसेंट तो हम यहां डालेंगे फोर्टीन इंटू नाइन परसेंट की ग्रोथ रेट के हिसाब से फर्स्ट ईयर के लिए फैक्टर कितना होता है सर वन पॉइंट जीरो नाइन फ्यूचर वाली फैक्टर मल्टीप्लाई होगा फोर्टीन इंटू वन पॉइंट जीरो नाइन डिवाइड बाय डिवाइड बाय अब यहां पर एक और चीज देखना सर हम डिस्काउंट किस रेट से करेंगे हमारे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से डिस्काउंट किस रेट से करेंगे हमारे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से और सर थर्टीन परसेंट से डिस्काउंट करने के लिए क्या मुझे थर्टीन परसेंट के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स दिए हैं जी हाँ जी हाँ मतलब क्या आप सभी इस बात को रियलाइज कर रहे हो क्या कि मुझे मैन्युअल डिस्काउंटिंग ना करते हुए इन नंबर्स को यूज करना है तो एक और चीज़ जो क्लास के नए स्टूडेंट है उनके बारे में जान लीजिए कि जो क्लास में नए स्टूडेंट है वो लोग जान लीजिए कि हमेशा वो डेटा ही हमें एग्जाम में यूज करना है जो एग्जामिनर ने दिया है ना कि वो जो आपका कैलकुलेटर कैलकुलेट करता है ना कि वो जो आपका कैलकुलेटर कैलकुलेट करता है तो सर उसके उसके यहां पे देखिए सुनो सुनो उस केस में हमें प्रेजेंटेशन कैसे करना पड़ेगा कि ये जो वन प्लस के टू दी पावर वन से हम डिवाइड कर रहे हैं ये जो वन प्लस पॉवर वन से हम डिवाइड कर रहे हैं दिस इज नथिंग बट योर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर फर्स्ट ईयर सिमिलरली दिस वाला बॉक्स इज नथिंग बट प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर सेकेंड ईयर सिमिलरली थर्ड वाला बॉक्स वुड बी नथिंग बट प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर थर्ड ईयर इस तरीके से हमें प्रोसीड करना पड़ेगा इस तरीके से हमें प्रोसीड करना पड़ेगा तो फोर्टीन फोर्टीन मल्टीप्लाइड बाय 1.09 अमाउंट ऑफ़ बाई वन 0.885 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए जिसको फर्स्ट ईयर से डिस्काउंट करने के लिए 0.885 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए प्लस सेकेंड ईयर का डिविडेंड हो जाएगा 14 मल्टीप्लाइड बाय दो साल की ग्रोथ वाला फैक्टर वन पॉइंट वन और उसको दो साल से डिस्काउंट करने के लिए जीरो पॉइंट थ्री प्लस प्लस सर तीन साल का फैक्टर 1.295 तो 14 परसेंट को सीधे थर्ड साल से कंपाउंड करने के लिए थर्ड साल से कंपाउंड करने के लिए 1.295 1.295 टू नाइन जीरो साल का फैक्टर 6.93 अब मेरी बात सुनो आपके पास एवरी वन आपके पास चॉइस है या तो आप ये वाला मेथड फॉलो कर सकते हो या फिर आप चाहो तो ये टेबुलर मेथड फॉलो कर सकते हो आपकी अपनी चॉइस मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं इंस्टीट्यूट आपको हंड्रेड परसेंट दोनों में मार्क्स देगा आपको अगर लगता है कि टेबल बनाना थोड़ा मुश्किल काम है जहां पे पहले डी वन डी टू थ्री थ्री कैलकुलेट करेंगे फिर रेस्पेक्टिव कैलकुलेशन किए जाएंगे अगर आपको लगता है ये सब थोड़ा मुश्किल काम है तो फिर आप नीचे वाला अप्रोच फॉलो कर सकते हो चॉइस योर्स एम आई पल इन द क्लास हंड्रेड परसेंट क्लियर बोलिए एवरी वन आर यू सेटल्ड रिक्वेस्टिंग योर रिस्पॉन्सिस आंसर अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं आंसर के ऊपर हम बात करेंगे हम लोग सबसे पहले यह बता दीजिए आप सेटल्ड हो गया जो भी आपने सीखा टेबल ज्यादा प्रेजेंटेबल लगेगा अंकिता 100 परसेंट आपने सही बात बोली बट आपको अगर टाइम सेव करना है तो आपके मार्क्स इसमें भी नहीं कटेंगे क्या मैं आपको समझा पाया या ना लेंगे भाई ब्रेक लेंगे हिमांशु ये क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद ब्रेक लेंगे ठीक है आई होप आई होप ये लो ये जो लॉजिक मैं आपके सामने यहां क्रिएट कर रहा हूं वो लॉजिक आप समझ पाए ठीक है अब छोटी छोटी चीजें आप में से कोई चाहता ना आप में से कोई चाहता तो इस चीज को और अलग तरीके से प्रेजेंट कर सकता था कैसे प्रेजेंट कर सकता था वो प्रेजेंट कर सकता था वो बोलता डी वन इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ फर्स्ट ईयर प्लस डी टू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ सेकेंड ईयर प्लस डी थ्री है ना प्लस सेल्स प्राइस मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ थर्ड ईयर यहां पे हमें सेल्स प्राइस का इफेक्ट देना है हां यहां पे हमें सेल्स प्राइस का इफेक्ट देना है अपनी सेल्स प्राइस कितनी थी थ्री सिक्सटी इंटू जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री थ्री सिक्सटी इंटू जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री ऑल राइट तो मैं आपके सामने सारी पॉसिबिलिटीज खोल के रख रहा हूं राइट right? आपको जिसमें कंफर्ट हो हम वो फॉलो कर सकते हैं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मार्क्स हंड्रेड परसेंट सब में मिलेंगे बस ऑब्जेक्टिव होना चाहिए एग्जामिनर के दिए गए डेटा का यूज हो जाना ऑल राइट डन ठीक है एक सेकेंड दे दीजिए सर क्वेश्चन का बी ए पार्ट ए पार्ट का आंसर चाहिए ए पार्ट का आंसर चाहिए क्या हम प्लीज सॉल्व कर ले फटाफट फटाफट एवरी आ जाइए तो अज्यूमिंग अज्यूमिंग आप लोग नीचे वाला अप्रोच सॉल्व कर रहे हो अज्यूमिंग आप लोग नीचे वाला अप्रोच सॉल्व कर रहे हो हम इस वाले अप्रोच की मदद से चलिए कैलसी से सॉल्व करते हैं है ना एक मिनट दीजिए ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ब्लॉक ब्लॉक करना ही पड़ेगा <laughs> कहां से आते हैं यार भाई ऐसे लोग Uh, अलग अलग ऑप्शन है इनको अपन रिमूव कर सकते हैं टाइम आउट में पुट कर सकते हैं हाइड यूजर कर सकते हैं ऑन दिस चैनल और क्या कर सकते हैं एड एज मॉडरेटर बना सकते हैं इनको हम कोई बताएगा इन महानुभाव साथ महानुभाव महानु के साथ क्या किया जाए छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए कुछ डायलॉग वायलॉग है ना सर शोले मूवी का या फिर इनको सजा दे दी जाए कि इन्हीं यही वो इंसान है जिनको हम सबको कोल्ड कॉफी पिलानी होगी अगर आप हमें कोल्ड कॉफी पिलाते हो ना तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आप कैसे भी कॉमेंट कर सकते हो वी आर ऑल फाइन क्योंकि उससे ना हमारा कॉन्फिडेंस डिस्टर्ब होता है ना हमारे स्टूडेंट्स का हमारे ऊपर ट्रस्ट बस एक छोटी सी कंडीशन है हमारे सारे स्टूडेंट्स को आप कोल्ड कॉफी पिला दो ऑल राइट वेल पीपल इन द क्लास पीपल इन द क्लास बताइए चलो अब आप लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है मैं तो आपके लिए कोल्ड कॉफी का अरेंजमेंट कर रहा था यार कोई इंसान आगे रह के अपने कोल्ड कॉफी पिला रहा है और क्या लोगे बट सिंस आपको ये सब नहीं जम रहा है तो करना ही पड़ेगा वन सेकेंड हाँ ऑल राइट right. अब आई थिंक उनके कमेंट आपको नहीं दिखेंगे ठीक है चलिए 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 बस बस गुस्सा कोई नहीं करेगा यार गुस्सा कोई नहीं करेगा पीपल इन द क्लास यू पीपल चिल आउट है ना गुस्सा कोई नहीं करेगा मस्त रहिए हम लोग आगे चलते हैं चलिए कैल्सी पे डन एवरीवन फटाफट आ जाइए कैलसी में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं डन

14 into 1.09 into 0.885 m plus d1 की प्रेजेंट वैल्यू आ चुकी है 14 into 1.188 मतलब d2 आ गया और d2 में 0.783 मल्टीप्लाई करो तो पीवी ऑफ़ d2 आ जाएगा यस yes. अरे मेरे भाइयों मेरी बात तो सुनो बाहर आ जाओ यार जीवन में मस्त रहो ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जब आप रोड पे निकलोगे हर किसी को जवाब देने निकलोगे तो आपके जीवन के सत्तर अस्सी साल कम पड़ जाएंगे यार इंडिया में 135 करोड़ एक सौ चालीस कर दिए ना अब तो हमने चाइना को पास पास कर दिया फ्री एकदम इंडियंस फुल फॉर्म में चल रहे हैं तो हमें थोड़ी ना हर किसी के बात का जवाब देना है मस्त रहो यार लोड क्या है भगवान ने आपको मस्त दुनिया दी है मस्त दिन दिया है हैप्पी रहो सीखो So 14 का डी जीरो था जिसमें 1.188 पॉइंट वन एट एट मल्टीप्लाई किया पॉइंट सेवन एट थ्री मल्टीप्लाई किया डी थ्री के लिए डी थ्री के लिए सर 14 इंटू वन पॉइंट टू नाइन फाइव इंटू पॉइंट सिक्स नाइन थ्री तीनों डिविडेंट्स का पीवी हो चुका है थर्ड ईयर के एंड में हमें 360 का शेयर प्राइस है उस 360 के शेयर प्राइस को डिस्काउंट करना है मतलब उसको भी पॉइंट से मल्टीप्लाई करके एम प्लस कीजिए और फाइनली मुझे बताइए आपका आंसर क्या आ रहा है फाइनली प्लीज अपना आंसर बताइए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल दीस फ्यूचर कैश फ्लोस क्या आ रहा है मुझे कैलसी पे आप सबसे जवाब चाहिए प्रेरणा का कहना है टू एटी एट पॉइंट फाइव सेवन अदर्स प्लीज टू एटी एट पॉइंट फाइव सेवन अदर्स प्लीज चलिए प्रेरणा करेक्ट आंसर रक्षिता करेक्ट आंसर सुमित करेक्ट आंसर जितेंद्र करेक्ट आंसर अर्चना करेक्ट आंसर निश्चल करेक्ट आंसर अश्विनी करेक्ट आंसर अंकिता करेक्ट आंसर रेस्ट ऑफ द पीपल इन द क्लास अब मैं आपको एक बात बताऊं किसी का आंसर पॉइंट फाइव सेवन आ रहा है किसी का आंसर पॉइंट फाइव लाइन आ रहा है किसी का आंसर पॉइंट फाइव एट आ रहा है और इंस्टीट्यूट को पूरा राइट है ये मार्क्स काटने का क्यों पूरा राइट है क्योंकि उसने 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 बहुत क्लियरली सारे फैक्टर्स दे दिए उसने बहुत क्लियरली बता दिया कि दो डेसिमल पे लाके राउंड ऑफ करना है ऑल राइट right? तो आपको प्रिसाइजली चीजों को ध्यान रखना है और अकॉर्डिंगली अपना सॉल्यूशन करना है है ना जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं राइट right? यहां पे जो हमने डिविडेंड्स लिए यहां पे जो हमने डिविडेंड्स लिए उन डिंट्स को सिर्फ दो डेसिमल पॉइंट्स तक लिया ये जितने भी डिवरेंट्स आए उनको तीन प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई तो किया लेकिन आप चाहो ना आप चाहो ना आप चाहो नहीं, आप एक्चुअल में कर ही लो। आप क्या करो राउंड ऑफ करके दो डेसिमल पॉइंट एंड के हटा दो राउंड ऑफ करके एंड के दो डेसिमल पॉइंट हटा दो राइट? ताकि हम लोग सेम आंसर पे सब लोग सेटल्ड रहे क्लियर अब आपने अगर इस तरीके से किया और इस तरीके से आपका आंसर ही अलग आ रहा है तो एक अलग बात है cool? पर आपके तरीके में कहीं राउंडिंग ऑफ का एरर नहीं होना चाहिए डन चलो अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे और फिर एक ब्रेक लेंगे देखो द मैक्सिमम प्राइस बी पार्ट द मैक्सिमम प्राइस मिस्टर बे मिस्टर बी विल बी विलिंग टू पे फॉर शेयर इफ ही इज ऑफ दिनियन दैट दो एफ गलती से आ गए

एवर ग्रोथ रेट 13% परसेंट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न डी जीरो है जी है और के ई है हमारे इसका आंसर लाने से कोई नहीं रोक सकता मात्र 30 सेकेंड का टाइम आप सभी है बॉक्स में मुझे आंसर चाहिए प्लीज सर डी वन डिवाइडेड बाय के माइनस जी फोर्टीन इंटू वन प्लस नाइन परसेंट फोर्टीन इंटू वन प्लस नाइन परसेंट डिवाइड बाय पॉइंट वन थ्री माइनस पॉइंट जीरो नाइन 14 इनटू 1 प्लस 9 परसेंट डिवाइड बाय .13 माइनस .09 मेरा क्लास में आंसर पीपल इन द क्लास 381.5 रहा है 381.5 एवरीवन जतेन्द्र रक्षिता प्रेरणा नक्षत्र अमृता रेस्ट ऑफ़ द पीपल एक्सपेक्टिंग द आंसर्स प्लीज़ बोलो ना यार बोलो ना मुस्कान ध्रुवी सुमित अर्चना अंकिता पवन आयुषी एवरी वन एवरी वन एवरी वन बस आंसर्स लाते रहिए समझते चलिए आंसर्स लाते रहिए प्रेजेंटेशन पे घर पे काम करना है हमें ये बात भूलने का नहीं बी पार्ट डन सी पार्ट सी पार्ट के लिए आपको मैं टाइम दूंगा देखो अभी तक सब कुछ इजी चल रहा था अगर आपने सी पार्ट करके दिखा दिया तो मान जाऊंगा कि आप लोग ब्रिलियंट हो डन बात ये चैलेंज है ये वो चैलेंज वाला क्वेश्चन है प्राइस ऑफ शेयर एट द एंड ऑफ थ्री ईयर्स क्या बोला कैलकुलेट करो डिटरमाइन करो प्राइस ऑफ शेयर एट द एंड ऑफ थ्री ईयर इफ नाइन परसेंट ग्रोथ रेट इज अचीव्ड, अज्यूमिंग अदर कंडीशन रिमेन एज सेकेंड अब जो अदर कंडीशन है ना मतलब फॉर की ग्रोथ रेट नाइन परसेंट थर्टीन परसेंट का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बाकी सब सेम है ऊपर जैसा तो मुझे थर्ड ईयर के एंड में प्राइस क्या होगी वो बताना है ये चैलेंज वाला क्वेश्चन मैं वेट कर रहा हूं ठीक है यस हेमांशु यस हेमांशु अनलेस नीडेड अनलेस नीडेड आप ऊपर वाली इंफॉर्मेशन को नीचे यूज नहीं कर सकते हो फाइनल आंसर चाहिए भाई साहब मुझे जब भी आपको लगे यू आर सेटिस्फाइड विद वॉट एवर यू हैव कैलकुलेटेड गिव मी दैट फाइनल आंसर इन द चैट बॉक्स आई एम वेटिंग फॉर यू मुस्कान का कहना है 494, नाइन्टी ध्रुति का कहना है 494, सुमित का कहना है 494.04, अंकिता का कहना है 494 जितेंद्र 494 अश्विनी 494 रक्षिता 494 एवरीवन फोर नाइनटी इज फोर सर हमें क्या करना है हमें थर्ड ईयर के एंड की प्राइस पूछी तो सर अगर जीरो ईयर की प्राइस पूछते हैं तो हम D1 डिवाइडेड बाय K- माइनस जी लेते हैं अगर हमें सर फोर्थ थर्ड ईयर के एंड की प्राइस ली तो क्या हम D4 डिवाइडेड बाय K- माइनस जी ले सकते हैं अगर थर्ड ईयर के एंड की प्राइस पूछी तो डी डिवाइडेड बाय के माइनस जी ले सकते हैं जी हां सर सर थर्ड ईयर के एंड का डिविडेंड क्या है थर्ड ईयर के एंड का डिविडेंड हमने कहीं कैलकुलेट किया है क्या अगर आपने किया है तो उसको यूज कर लेना अगर नहीं किया ना तो डी फोर के लिए हमें लगेगा थर्ड ईयर का डिविडेंड सर सर एग्जामिनर ने थर्ड तीन साल तक के फैक्टर्स दे रखे हैं तीन साल तक के फैक्टर्स दे रखे हैं है ना सुनिए सुनिए इसमें d0 उसमें 1.295 मल्टीप्लाई करेंगे तो d3 आ जाएगा लेकिन सर मुझे तो d3 थ्री इंटू वन प्लस जी चाहिए मुझे तो d3 थ्री इंटू वन प्लस जी चाहिए D4. का K और का g इस तरीके से कैलकुलेट कीजिए और आंसर क्या आता है वो बता दीजिए एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूं आप लोगों ने तो आंसर बता ही दिया फोर्टीन मल्टीप्लाइड बाय 1.295 मल्टीप्लाइड बाय 1.09 D4 डिवाइड बाय 0.04 गलत बोला क्या 494.04 ऑन अ राउंडेड ऑफ बेसिस 494.04 पीपल इन द क्लास बिकम द आंसर फोर नाइनटी फोरो फोर ऑन राउंडेड ऑफ बेसिस बिकम द आंसर Cool. C part people in the class gets done. Am I clear? एक बार मुझे बस comments देखने then we go for a देखने दीजिए आप उस तरीके से कर सकते हो जो आप सोच रहे ho उसमें kuch गलती नहीं है Am I clear? आप कर सकते हो बट प्रेफरेबली सुमित हम वो फॉलो करें जो इंस्टीट्यूट फॉलो करता है अगर आप आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे बात कर रहे हो तो दैट इज ग्रेट सही सोच रहे हो कि ग्रोथ ग्रोथ इन डिविडेंड इन इज जनरली इक्वल टू द ग्रोथ इन एमपीएस है ना लेकिन अग्रीड ये बात सही है कि आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ठीक है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है है ना चलिए हां प्रेफरेबली सुमित सारे क्वेश्चन आप डिविडेंड के बेसिस पे करो निश्चल आपका आंसर फोर आई हैव सीन जितेंद्र डन सुमित आपका क्वेरी सॉर्टेड है प्रेरणा आपका आंसर आ गया था नीरज ऑल राइट ग्रेट चलिए सर तो अब लिटरली हम लोग लेंगे दो मिनट का ब्रेक एट थर्टी सेवन तीन मिनट का ब्रेक लेते जैसे ही वॉच में एट थर्टी सेवन होगा आप सब वापस आ जाइए हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एम आई क्लियर जैसे ही एट थर्टी सेवन हो जाता है आप सब वापस आ जाना हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑल राइट बाय जाइए आज का लिंक टेलीग्राम पे आ गया था और

ये पार्ट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है इनका मतलब होता है कि यार एक का डेटा दूसरे में यूज नहीं करना अनलेस नीडेड अब अनलिस अगर सेकेंड वाले पार्ट में कोई डेटा ही नहीं दिया हो तो ऑब्वियसली आप ऊपर का यूज करोगे बट दैट नॉट मीन कि हमें प्रेजेंटेशन चीजों का फिर से करना पड़ेगा राइट right? ऊपर अगर आपने कोई नंबर कैलकुलेट किया है तो उस नंबर को नीचे यूज कर सकते हो एट मैक्स आप क्या करो उसका एक रेफरेंस दे दो आप ऐसा भी दे सकते हो डी थ्री इज इक्वल्स टू दिस तो यहां आप लिख देना डी थ्री इंटू वन प्लस जी जहां पे आप इसके ऊपर वाली लाइन में लिख देना d3 थ्री इज इक्वल्स टू वो कहां से आया ऊपर वाले किसी पार्ट से आया इतना आपको वापस से सब प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है एम आई क्लियर अंकिता आर यू सॉर्टेड चलिए ऑल राइट एवरी सो आई गेस योर बैक क्वेश्चन नंबर नाइन्थ सॉल्व कर रहे जो मे 21 में पूछा गया है क्वेश्चन अभी हम लोग क्लास में इसको डिस्कस करेंगे थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन लेट्स डिस्कस इट राइट अवे कूल चलिए आइए देखते हैं एम लिमिटेड लिमिटेड टू एंटर द कैपिटल मार्केट इन थ्री ईयर्स टाइम तीन साल में कंपनी कैपिटल मार्केट में एंटर करना चाहती है मतलब आईपीओ लाना चाहती है जो अभी इतनी सारी कंपनीज वैसे भी ला रही है

टाइमलाइन पे जिस स्टूडेंट को चीजें इमेजिन हो गई उसकी लाइफ सॉर्टेड है देखो सर क्या हो रहा है जीरो वन टू थ्री जीरो ईयर पे फिलहाल जो प्राइस है वो फिफ्टी टू पॉइंट जीरो थ्री का प्राइस है थर्ड ईयर के एंड में ये सेवेंटी का प्राइस अचीव करना चाहते हैं राइट right? और और सर फर्स्ट ईयर के एंड में डिविडेंड कितना होगा नहीं पता सेकेंड ईयर के एंड में डिविडेंड कितना होगा अभी नहीं पता थर्ड ईयर के एंड में कितना होगा नहीं पता बट ये जरूर पता है कि ये जो डिविडेंड्स होंगे ये जो डिविडेंड्स होंगे ना जो भी होंगे इन डिविडेंड में कितने का ग्रोथ रेट है 15 परसेंट का ग्रोथ रेट है ऑल राइट कूल डन नेक्स्ट सर, थ्री इयर्स में कंपनी का डिविडेंड ग्रोथ रेट फिफ्टीन परसेंट हो जाएगा कंपनी डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल यूज कर रहे हैं फॉर इट्स प्रोजेक्शन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फिफ्टीन परसेंट मतलब ये सारे फ्यूचर कैश फ्लोस, प्लीज ध्यान से देखना ये जो डिविडेंट आया ये जो डिविडेंट आया ये जो डिविडेंट आया प्लस ये जो प्राइस आई इन सब को डिस्काउंट करने के लिए इस सब को डिस्काउंट करने के लिए कितना रेट यूज किया गया अगेन पीपल इन द क्लास 15 परसेंट और वो डिस्काउंट करके जो वैल्यू आती है वो 52.03 हमें गिवन है ऑल राइट ऑल राइट कूल यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट पीपल इन द क्लास एक सेकेंड दीजिए डायग्राम थोड़ा सा ज्यादा बड़ा बन गया यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिविडेंट टू बी डिक्लेयर बाय द बोर्ड इन द बेस ईयर सो एज टू अचीव द टारगेट प्राइस सो एज टू अचीव द टारगेट प्राइस क्या कहना चाह रहे हैं कि सर बेस ईयर मतलब जीरो ईयर ध्यान से वर्ड देखा क्या बेस ईयर मतलब जीरो ईयर में हम डिविडेंट कितना डिस्ट्रीब्यूट करें जो फिफ्टीन 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 परसेंट से ग्रो करेगा सर 15, 15, 15 परसेंट से ग्रो करेगा और कितना डिविडेंड अचीव करे कि हम हमारा टारगेट प्राइस अचीव कर पाए हम हमारा टारगेट प्राइस अचीव कर पाए पीरियड दिए फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के एंड में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 15 परसेंट के हिसाब से चार डेसिमल पॉइंट्स तक दिए हुए हैं अगेन मेरा मन कहता है कि इस क्वेश्चन को होमवर्क दिया जाए इन द फॉर्म ऑफ चैलेंज मतलब क्वेश्चन इज डिफरेंट as compared to normal question i want to do it in the class at the same time i believe your intellect i trust your intellect and want to give it in the form of challenge in the homework lekin main soch raha hu aisa na kare abhi class mein agar main challenge do मुझे answer नहीं चाहिए मुझे answer नहीं चाहिए Class में challenge दे रहा हूं thought process बनाओ कि इसको solve कैसे करेंगे Answer से मतलब नहीं मुझे किसके दिमाग में आगे सॉल्व करने की प्रोसेस बैठ गई थोड़ी थोड़ी एवरी वन आंसर्स आई एम वेटिंग फॉर योर चैट बॉक्स आंसर आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर इन द चैट बॉक्स पीपल क्विक रीड करो दिमाग लगाओ दो मिनट का टाइम लो और फिर बताओ मुझे चलिए आना स्टार्ट हो चुके हैं सुपर सुपर क्लास पीपल इन द का कहना है जितेंद्र का कहना है कि सर डिविडेंड डिविडेंड को को मान मान लो मान लो मतलब इसको मैंने एक्स माना तो आने वाले डिविडेंड को पंद्रह पंद्रह परसेंट से ग्रो करा दो और उन सारी चीज को डिस्काउंट कर दो इंक्लूडिंग सेवेंटी का डिस्काउंटिंग जिसका प्रेजेंट वैल्यू फिफ्टी टू पॉइंट जीरो थ्री आना चाहिए जितेंद्र सेंस तो लग रहा है जितेंद्र यह बात सुमित कह रहे हैं सर तीन ईयर का ही है तो इनफाइनाइट तो नहीं लेंगे सुमित ने भी सही सोचा कि सर सेवेंटी ईयर का अगर सेवेंटी रुपीज़ का मुझे थर्ड ईयर के एंड में प्राइस दिया मतलब वो डेफिनेट नंबर ऑफ ईयर्स वाला थॉट है इनफाइनाइट वाला थॉट नहीं चलो आप भी अग्रीड स्माइल लिमिटेड ईयर बिल्कुल सही बात फ्यूचर वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज फ्यूचर वैल्यू ऑफ़ फ्यूचर कैश कैशलोज सेवेंटी अच्छा कैश फ्लो का फ्यूचर वैल्यू सेवेंटी है आप तो सुमित डिस्काउंटिंग वाला थॉट लगा सकते हो सुमित नहीं सॉरी स्माइल कंपाउंडिंग वाला नहीं लगा सकते हो पीपल इन द क्लास और सोचो टेक योर टाइम टेक योर टाइम हा स्माइल प्रेजेंट वैल्यू तक योर साइट यार अर्चना हिमांशु अमृता पवन मुस्कान ध्रुति अश्विनी निश्चल प्रेरणा भावेश भी आप भी सॉरी मैंने आपका नाम कर दिया चेतन बोलो 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 माइंड में क्या स्कीम आ रही इसको सॉल्व करने की पूरा क्वेश्चन आपके सामने क्योंकि यार एग्जाम में जो स्टूडेंट बैठे होंगे मे ट्वेंटी वन वाले उनके साथ भी तो ऐसा ही कुछ हुआ होगा ना सर सर डिविडेंड को एक्स मान के मैथमेटिकली सॉल्व करना रहेगा ऐसा हिमांशु को लगता है चेतन को लगता है कि डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू और 720 की प्रेजेंट वैल्यू इस 52.03 चेतन आपको भी सही लगता है बेस ईयर को एक्स मान लेते हैं ऑल राइट right, मुस्कान तो सर 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 देखो अब यहां पे मैं आपको दो चीजें समझाता हूं एक लॉजिकल और एक जो क्वेश्चन में हुई है सर क्वेश्चन की लैंग्वेज देख के तो समझ में आ गया कि मुझे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो दिया है मुझे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो दिया है तो नॉर्मली मुझे फ्यूचर कैश फ्लो दिए होते हैं जिसके डिस्काउंट करके मैं प्रेजेंट वैल्यू 52.03 कैलकुलेट करता हूं इस बार मुझे यह पता लगाना है कि वो मेरे पास क्या मेरे फ्यूचर कैश फ्लोस हो वो मेरे फ्यूचर कैश फ्लोस क्या हो जिसके अंदर ग्रोथ भी है कि जिनको मैं डिस्काउंट कर दू ना सर अलोंग विद सेवेंटी तो जिसका प्रेजेंट वैल्यू फिफ्टी टू पॉइंट जीरो थ्री आ जाए ये मुझे पता लगाना है तो जिन जिन लोग ये सोच रहे हैं बहुत सही सोच रहे हैं इसमें कोई डाउट नहीं है राइट अग्रीड एप्रीशिएबल रेस्पेक्ट सल्यूट आगे सोचो लॉजिकली आपको कहीं ना कहीं छोड़ो नहीं बताना एग्जाम परसपेक्टिव से आपने पूरा सीख चुके हो लॉचिक वॉचिक अभी सब साइड में रखो हमें एग्जाम ओरिएंटेड बैच चलाना है कोई आपका मुझे कॉमन सेंस नहीं बढ़ाना है राइट एवरी right, तो आप सभी ने सही सोचा और हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं राइट right? तो मुझे एक मिनट दे दो एक मिनट दे दो इसका प्रेजेंटेशन कैसे करना है आपके साथ सोच लेता हूं मैं सर या तो मैं काम करू अपन ये जो इक्वेशन बनाई ना इस इक्वेशन को पूरा बना लेते हैं इस इक्वेशन को पूरा जो अपन ने अभी लिखा ना राइट right? d1 पहले इक्वेशन लिखते हैं और इक्वेशन में नंबर्स पुट कर देते हैं इज द प्लान क्लियर तो हम बोलेंगे हम बोलेंगे d1 वन मल्टीप्लाइड बाई प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ फर्स्ट ईयर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ फर्स्ट ईयर प्लस d2 टू इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ टू ईयर प्लस डी थ्री इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ थ्री ईयर प्लस 70, सेवेंटी ऑफ सेल प्रोसीड इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर अलग है और मैं ये प्रेजेंटेशन नहीं चाह रहा हूं, हूं प्रेजेंटेशन आप लोगों के लिए आर यू ऑल इन फॉर मी तो मेरी बात सुनो मेरी बात सुनो प्रेजेंटेशन चेंज कर रहे पीपल इन द्लास सुनिए सुनिए एक मिनट देना बेस डिट को डी जीरो माना ठीक है राइट right. तो इसको यहां से हटाइए और इसकी जगह रखिए 52.03 तो सर 52.03 कूल विच इज माई पी जीरो चलो एक काम करते हैं यहां पे पी जीरो और यहां रखता हूं मैं 52.03 सर पी जीरो इज इक्वल्स टू डी वन इन टू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ फर्स्ट ईयर डी टू

प्लस 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 सेवेंटी रुपीज का अपना सेल्स प्राइस टारगेट प्राइस इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ थ्री इयर्स राइट तो टारगेट प्राइस कितना है सर अपना सेवेंटी का टारगेट प्राइस है जो एग्जामिनर ने दिया है सेवेंटी इनटू 0.6575, है ना ये सिंगल फार्मूला ये जो सिंगल फॉर्मूला अपन यूज कर रहे हैं आप सही बोल रहे हो सुमित ये वही फॉर्मूला है जो हम क्वेश्चन नंबर एट में भी यूज करने की कोशिश कर रहे थे और रहे थे? और वही फार्मूला हमने यहां भी यूज किया कि सर पी जीरो इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर फ्लोस अब 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 ये कर दो आप यहां से हटा दो ऊपर वाली चीज हटा दो हम हमारे क्वेश्चन को बनाएंगे सिंपल ऑलराइट सर p0 मेरे पास 52.03 अवेलेबल है ध्यान से देखिए p0 52.03 अवेलेबल है सर अगर d बेस डिविडेंड को अगर मैंने d0 अज्यूम किया तो सर d0 1.15 फर्स्ट ईयर का ग्रोथ फर्स्ट ईयर का फैक्टर ये रहा प्लस d0 1.15 का स्क्वायर सेकंड ईयर का फैक्टर ये रहा डी जीरो इंटू वन पॉइंट वन फाइव का क्यूब इंटू थर्ड ईयर का फैक्टर ये रहा प्लस सेवेंटी इंटू थर्ड ईयर का फैक्टर सर इसको मल्टीप्लाई इसको इसको करो और जो भी आंसर आते हैं उन तीनों को डी जीरो तीनों को एम प्लस में कर दो एंड दैट विल बी यूर दैट मच ऑफ डी जीरो इन तीनों में डी जीरो इन तीनों टर्मिनोलॉजी में कौन सी तीनों टर्मिनोलॉजी में यह वाली टर्मिनोलॉजी और यह वाली टर्मिनोलॉजी और यह तीनों टर्मिनोलॉजी में इन तीनों में पीपल इन क्लास क्या है, है। और आप एक चीज ऑब्जर्व तो करो एक चीज ऑब्जर्व तो करो सिर्फ 1.15 मल्टीप्लाई करना मतलब 15% से कंपाउंड कर देना और 1.15 सॉरी 0.86 से 96 से मल्टीप्लाई करना पॉइंट एट सिक्स नाइन सिक्स से मल्टीप्लाई करना मतलब फिफ्टीन परसेंट से वापस डिस्काउंट भी कर देना ब्यूटी देख रहे हो क्या आप ब्यूटी देख रहे हो सर 1.15 से मल्टीप्लाई करा पॉइंट एट से मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर तो वन ही आएगा ना यार 15 परसेंट से कंपाउंड किया फिफ्टी परसेंट से डिस्काउंट किया एक साल के लिए सर 1.15 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना मतलब दो साल से कंपाउंड करना और पॉइंट से मल्टीप्लाई करना मतलब दो साल से वापस डिस्काउंट कर देना तो आंसर तो वन ही आएगा ना आर यू पीपल इन द क्लास प्लीज फॉलोइंग द कॉमन सेंस कि इन तीनों नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन का आंसर तो वन ही आना है करके देख लो लोन पॉइंट सेवन फाइव सिक्स वन तो आंसर तो बन ही आना है ना एवरी वन तो दिस इज वन दिस इज वन दिस इज वन तो डी जीरो प्लस डी जीरो प्लस डी जीरो तो थ्री डी जीरो हो गया कि नहीं यार एवरी वन बोलो मेरे भाई थ्री टाइम्स डी जीरो हो गया यहां तक सेटल्ड डन सर 52.03 में से इस वाले नंबर को लेफ्ट में लाके माइनस करो ना लेफ्ट में लाके माइनस करो ना राइट right? तो नेक्स्ट स्टेप मेरी दिखनी चाहिए थ्री डी जीरो नंबर बताइए सेवन टू पॉइंट सेवन फाइव है ना और इस नंबर को माइनस कीजिए फिफ्टी टू पॉइंट जीरो थ्री में से तो आंसर आता है सिक्सटी पॉइंट जीरो जीरो फाइव सिक्स पॉइंट डबल जीरो फाइव तो डी जीरो हो जाएगा रुपीज पर शेयर रुपीज टू मतलब बेस ईयर का डिविडेंड पीपल इन द क्लासेस रुपीज टू पर शेयर क्या आप लोग डी जीरो तक पहुंच पाए क्या जहां पे हमने पूरे सोल्यूशन को एक सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में एक सिंपल स्टेप में डाल दिया अगर कहीं भी मेरे एक्सप्लेनेशन में कोई कमी रही है तो आप हक से क्वेरी रेस कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप चाहते हो कि मैं क्वेश्चन को और धीरे कराऊं तो वो भी करा सकता हूं मैं ऐसा अज्यूम किया कि कि एक बार इक्वेशन बनने के बाद इतनी क्षमताएं हम हम में है कि हम खुद से ला पाए जिन जिन का हो जाता है जिन जिन का हो जाता है प्लीज मुझे बता दीजिएगा अर्चना नॉट एबल टू फॉलो डोंट वरी ऑल आई विल रीड डू एवरीथिंग डोंट वरी एट ऑल चलिए बाकी लोग जिनकिन जहाँ हो जाए आपको यस आंसर देना है जिन जिन से नहीं हो पा रहा है है आपको नो आंसर देना है। पवन डन मुस्कान डन ठीक है बाकी लोग डन या नॉट डन बोलो तो ही मुझे कंफर्ट होगा अर्चना सॉरी फील करने की कोई बात ही नहीं है यार क्लास का माहौल बहुत चिल्ले जितेंद्र डन अमृता डन अंकिता डन क्लास के बचे हुए लोग जिनका हो जाता है डन बोलना बचे हुए लोग क्वेरी पोस्ट करो अर्चना सुनिए अर्चना सुनिए अर्चना आपको एक चीज समझ में आती है मेरे कैश फ्लो वन कैश फ्लो थ्री कैश फ्लो चार कैश फ्लो इन चार कैश फ्लो को जब मैं डिस्काउंट करता हूं तो फिफ्टी टू पॉइंट जीरो थ्री आंसर आता है अर्चना या ना क्या हमारे पास फर्स्ट ईयर के कैश फ्लो सेकेंड ईयर के कैश फ्लो थर्ड ईयर के कैश फ्लो में जो डिविडेंड वन टू थ्री है क्या इनके नंबर्स अवेलेबल है नहीं नंबर्स अवेलेबल नहीं है सर जीरो ईयर को अगर मैंने डी जीरो अज्यूम कर लिया या फिर जीरो ईयर को डी अज्यूम कर लो सर सिंप्लिसिटी के लिए जीरो ईयर को सिर्फ डी अज्यूम कर लेते हैं तो बेस ईयर को अगर मैंने डी अज्यूम कर लिया तो फर्स्ट ईयर क्या हो जाएगा फर्स्ट ईयर का डिविडेंड क्या मैं डी इंटू वन पॉइंट वन फाइव बोल सकता हूं सेकेंड ईयर के डिविडेंड को क्या मैं डी इंटू वन पॉइंट वन फाइव का स्क्वायर बोल सकता हूं थर्ड ईयर के डिविडेंड को क्या मैं डी इंटू वन पॉइंट वन फाइव का क्यूब बोल सकता हूं अर्चना हाँ या फिर ना अगेन हा यहा में रिस्पॉन्ड कीजिए मतलब तीनों साल के डिविडेंड्स आप तक आ चुके हैं अग्रीड बात तीनों साल के डिविडेंड्स कहां गया हां तीनों साल के डिविडेंड्स हम तक आ गए थे अब हमें इन तीनों साल के डिविडेंड्स की डिस्काउंटिंग करनी है डिस्काउंटिंग करने के लिए हमें डिस्काउंटिंग फैक्टर्स दे रखे हैं तो ये जो फर्स्ट ईयर का डिविडेंड था जिसमें आपने 1.15 मल्टीप्लाई किया उसमें फर्स्ट ईयर का फैक्टर मल्टीप्लाई किया

अर्चना तो सेवेंटी रुपीज थर्ड ईयर के एंड में मिला उसमें भी मल्टीप्लाई करके उसका भी पीवी करा और ये सब का पीवी करने से सर आंसर फिफ्टी टू पॉइंट जीरो थ्री आता ये भी हमें पता है अर्चना हाँ या फिर ना अर्चना हाँ या फिर ना और क्या मैं आपको इतना कह सकता हूं अर्चना कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन एक आ जाए और उस पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक ही नंबर मिसिंग हो डी जीरो डी जीरो तो इक्वेशन को सॉल्व करने से हमें कोई नहीं रोक सकता दिस मच केपेबल मैथमेटिकली वी आर हा बोलो 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 तो बस इसको सॉल्व करके दिखाना है अर्चना आपको सॉल्व कैसे करेंगे सिंपल सर इसमें से माइनस कर देना सेवेंटी वाली चीज को उधर ले जाके माइनस कर देना वो एक अलग मैटर है सिक्स रुपए का आंसर आ जाएगा डन अब इन तीनों चीजों को सॉल्व करके ऐड करना आपका आंसर थ्री डी जीरो आ जाएगा इतना तो कर सकते हो बस दिस वाज द सॉल्यूशन ऑल राइट तो क्वेश्चन नंबर नाइन्थ पीपल इन द क्लास डन हो चुका है सर पीवी ऑफ जीरो माइनस पीवी ऑफ शेयर एट एंथ डिवाइड बाय एन इज इक्वल्स टू जी जीरो क्या बता रहे हो स्म नहीं 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 स्माइल स्माइल मेरी बात सुनो ना स्माइल हम 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 एज ए ह्यूमन हमारी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड बनाना चाहेंगे ना तो हम कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मुला क्यों क्रिएट कर रहे हैं यार जब भगवान ने हर चीज कॉमन सेंस बनाई तो आप वो नया फॉर्मूला क्यों बना रहे हो कि सर हम ऐसे करें कि नहीं करें आपको सिर्फ एक कॉमन सेंस चला रहा हूं मैं जिस दिन से पूरा चैप्टर स्टार्ट किया है सिर्फ एक कॉमन सेंस चल रहा है पीवी ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज सिर्फ दैट इज द कॉमन सेंस बस जहां भी कोई सिचुएशन आएगी हम इस कॉमन सेंस को लगा देंगे और हमारा आंसर लेके आ जाएंगे स्माइल नो नीड टू क्रिएट फर्दर और एम आई क्लियर आर यू अंडरस्टैंडिंग वाई वुड वी मेक आर लाइफ कॉम्प्लीकेटेड बाई जनरलाइजिंग द थिंग्स इज दैट फाइन स्माइल दिस इज फॉर यू राइट डन क्वेश्चन नंबर टेंथ क्वेश्चन नंबर टेंथ मेरे हिसाब से नहीं करेंगे तो ही बेटर है क्वेश्चन नंबर टेंथ क्योंकि मैं फिफ्टीन के एमटी में पूछा गया उसके बाद किसी और आरटीपी एमटी में पूछा नहीं एक बार मुझे टाइम देना लेट मी चेक इफ दिस क्वेश्चन इज देर इन द स्टडी मटेरियल और नॉट यू वेल हैव टू वेट फॉर अ एम चेकिंग आउट इफ दिस क्वेश्चन इज देयर इन द स्टडी मटेरियल और नॉट 2024 का स्टडी मटेरियल लेट मी ओपन और 24 के स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन है कि नहीं देखने दीजिए ऑल राइट सर ये क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में भी नहीं है और इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली कुछ ऐसा तूफानी भी नहीं है जिसको हमें सीखना चाहिए या फिर जिसके लिए हमें कंसर्न रहना चाहिए cool ग्रेट सुक वेट कहा है हम लोग यस अश्विनी वॉट यूर सी इज करेक्ट जितेंद्र क्या पूछा है एक्सप्लेन आगे का पार्ट कौन सा बेस ईयर का डिविडेंड तो पूछा यूर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ दफ टू बी डिक्लेयर्ड बाय बाई बोर्ड इन बेस ईयर सो अचीव इचीव टारगेट प्राइस कितने का डिविडेंड डिक्लेयर करना है सर टू रुपीज डिविडेंड पर शेयर डिक्लेयर करना है दट क्वेश्चन ग्रेट डन क्वेश्चन नंबर नाइन्थ डन क्वेश्चन नंबर टेन्थ और इलेवेंथ मैं तो ये डिसीजन ही नहीं ले, ले पा रहा हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन मेरा कुछ क्वेश्चन छुटवाने का मन नहीं कर रहा है है ना? बट दिस इज क्लियर दिस इज क्लियर टेंथ क्वेश्चन पीपल इन द क्लास हम नहीं कर रहे हैं, है ना? नॉट नीडेड टू बी डन एग्जाम परस्पेक्टिव से इसका रेलेवेंस नहीं है तो टेंथ क्वेश्चन में आप जाके क्रॉस लगा सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है राइट थ क्वेश्चन पे जाके जा आप एक क्रॉस लगा सकते हो क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ एक अच्छा क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करेंगे लेकिन वो हम क्लास में ही सॉल्व कर पाएंगे सो इलेवेंथ क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास का हमारा क्लास वर्क होगा बहुत एक होगा, होगा, फिर से classwork होगा. All right. तो अभी तक ऐसा है कि आपको मैक्स ट्वेल्थ नंबर का क्वेश्चन इन दी फॉर्म ऑफ होमवर्क करके आना है टेंथ नहीं करना है इलेवेंथ क्वेश्चन जब भी हम वापस मिलेंगे इस क्वेश्चन को क्लास में डिस्कस करेंगे राइट right? जो लोग जो लोग नहीं मान रहे इस बात को और आपको क्वेश्चन नंबर टेंथ होमवर्क के फॉर्म में करना है मैं रोकने वाला कोई नहीं होता हूं राइट आपको करना है तो बिल्कुल कर सकते हो समझ रहे हो एडिशनल प्रैक्टिस की कोई लिमिट नहीं है बट जहां पे हम खड़े हैं इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव दैट कैलकुलेशन ऑफ हाउ मच शुड बी एंटर इंटू समथिंग तो उस हिसाब से टेंथ क्वेश्चन नहीं करने का डिसीजन लिया विच इज ऑल फाइन आपको करना है तो मैं ना नहीं बोल सकता हूं आप समझ रहे हो तो इट इज फाइन इफ यू वॉन्ट टू डू इट यू कैन डू इट एप्सिल्यूटनी नो प्रॉब्लम उससे रिलेटेड आप मुझसे डाउट भी पूछ सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है डन ग्रेट ऑल राइट सर सो विद दैट इफ यू ऑल ऑर इफ यू ऑल आर सेट कैन वी प्लीज कॉल इट डे कल हम मिलेंगे जहां पे हम लोग आगे के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और नए कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे और इफ पॉसिबल फर्दर उसके आगे के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे बताओ भाई आज फर्स्ट डे था मेरी बात सुनिए सब लोग आज फर्स्ट डे था जब हमने प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल क्वेश्चन फर्स्ट टाइम किए तो अब बता दो ओवरऑल ओवरऑल आफ्टर डूइंग प्रैक्टिकल क्वेश्चन आर यू पीपल गेटिंग कॉन्फिडेंस के अपनी क्लास का अप्रोच क्या है मेरे एक सेकेंड आप अभी, अभी कोई जाएगा नहीं मुझे दो मिनट देने होंगे आपको सुनो पहली बात आपको अपनी क्लास का अप्रोच समझ में आ गया डिटेलिंग में कॉन्सेप्ट करते हैं उस कॉन्सेप्ट का पूरा कवरेज उठा के फिर क्वेश्चन में लाके अप्लाई कर देते हैं डिटेलिंग में कॉन्सेप्ट पूरा ग्राइंडिंग करते हैं उसकी हर एक बारीकी तक जाते हैं वो दिमाग में रखते हैं और जब क्वेश्चन आता है तो उन बारीकियों को क्लास में आकर अप्लाई कर देते हैं इज द अप्रोच ऑफ द क्लास क्लियर वन थिंग वन थिंग वन थिंग वन थिंग सेकेंड सेकेंड आज फर्स्ट डे था आपका जब आपने जो मैंने अभी समझाया उसको अप्लाई किया राइट right? और इसी तरीके से इसी तरीके से अपनी क्लास चलने वाली है आपका फोकस होना चाहिए जब मैं समझा रहा हूं बहुत अच्छे से समझना और जब कॉन्सेप्ट में चीजें अप्लाई करने की बारी आए उसको कैलसी पे अपने बेस्ट अटेंशन देके अप्लाई करना और जो चीज समझना है उसको हक से पूछना अगर आप ये तीन चीजें कर रहे हो और घर पे उन क्वेश्चंस को प्रेजेंट करके लिख के सॉल्व कर रहे हो आपकी एग्जाम्शन कोई नहीं रोक सकता है लेट मी टेल यू हम चीजें बहुत क्लैरिटी से डिस्कस कर रहे हैं ऑलराइट right. और अभी फिर भी इजी टॉपिक है जिसमें अगर इतने इजी टॉपिक में अगर आपको वैल्यू फील हो रही है तो फिर आप सोच लो डिफिकल्ट टॉपिक में हम चीजें कितनी खोल देंगे राइट right? ठीक है यस yes, नीरज आप इसको इस तरीके से भी सोच सकते हो नीरज कि अगर इजी टॉपिक में अगर आपको ये चीज फील हो गई कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है क्योंकि इजी था तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पहले ही आ जानी थी राइट right? तो फिर डिफिकल्ट टॉपिक में तो हम लोग जम के एफर्ट्स लगाने वाले हैं <laughs> प्रदीप आप ऐसी बात करोगे ना तो लोगों को लगेगा पेड प्रमोशन है तो फिर मुझे क्लियर करना पड़ेगा कि मैंने प्रदीप को कोई पैसे नहीं दिए और ना ही कुछ खाने पीने के लिए दिया है और हिम टू प्रमोट हियर ठीक है चलिए डाउट कैसे पूछना है होमवर्क क्वेश्चन के सुमित दो तरीके हैं हर दिन जब क्लास ओवर हो जाती है उसके बाद आप डाउट पूछ सकते हो राइट और टेलीग्राम चैनल पे भी अपने डाउट पूछ सकते हो नीरज एल का क्लैरिटी ऐसा है कि आने वाले लेक्चर में मैं खुद आपको बताऊंगा एल डी आर एक स्टूडेंट को खुद को मार्क करने चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए ओके okay? पूरे चांस है कि मैं खुद एल डी आर नहीं दूंगा हाई चांस एल डी आर खुद कैसे बनाते वो मैं आपको बता दूंगा मुझे याद दिलाना आज नहीं दो चार लेक्चर हो जाने दीजिए फिर हां तो बताऊंगा ना नीरज बताऊंगा खुद बनाते सीखोगे आप ठीक है चलिए तो इसके साथ अगर आप सभी की परमिशन हो तो पीपल इन द क्लास में आई प्लीज टेक अ लीव कैन वी प्लीज कॉल इट अ डे एवरी वन क्या हम जा सकते हैं ऑल राइट चलिए अपना अपना ध्यान रखिए खुश रहिए और अपने आसपास वाले लोगों को खुश रखिए स्माइल कीजिए हम लोग मिलेंगे कल फिर से आगे वाले क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे चीजें और सीखेंगे और एफएम में और आगे बढ़ेंगे ग्रेट Take care, everyone. Bye bye. Good night. All right. Bye.